हाँ जी बच्चा लोग की खबर। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन एंड नमस्कार सत श्री अकाल आदाब एंड वेलकम टू चक दे क्लासेस। तो भैया क्या हालचाल है, सब मजे में, सारे पुर्जे बराबर बेटा, आई होप सो। तो भैया ध्यान रखिए कि एसएससी जेई एक ऐसा एग्जाम जो कि बेटा अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी डेट मार्च में आती है, कभी डेट नवंबर में आती है, लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा कि इसको लेके वरी मत करना। ऐसा मत करना कि हाँ यार अब नया डेट आ गया तो हर चीज़ को नए तरीके से पढ़ेंगे। नहीं बेटा, बहुत चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, बहुत चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं, अब उसको कैसे आपको यूटिलाइज़ करना है, जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं और जो चीज़ नहीं पढ़ी हुई हैं उसको कैसे अपने इस 2-3 महीने के अंदर कवर करना है, वही बेटा क्या है आपका मेन इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करेगा बेटा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सारा मोटिवेशन, हर तरह का मोटिवेशन जो आ रहा है आजकल आता है बेटा, देखो YouTube पे अल्लाह है, मतलब पढ़ाने के छोड़ के सब कुछ बताया जा रहा है कि हाँ भैया कट ऑफ का ये होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, सब छोड़ दो यार, पढ़ाई करोगे सिलेक्शन होगा। इस बात को जितना सिंपल रखोगे उतनी चीजें आपको बेटा क्लियर रहेंगी, इसलिए इसको छोड़ के सब कुछ भूल जाइए, पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन होगा बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता बेटा। ये चीज आप लोग भी जानते हो, कोई नई चीज नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई को ही एकमात्र अपना हथियार बनाइए, वही आपको सिलेक्शन देगा, बाकी सब बेटा क्या है मोह माया है, बाकी सब बेटा क्या होता है कि किसी काम की चीज नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एसएससी जेई, अब इसका बेटा देखो जो एसएससी जेई एग्जाम होता है, जैसे कि आपका कोरोना हुआ था, जैसे कोरोना आ गया था, तो कोरोना का बेटा जो आपका जितनी मौतें कोरोना से नहीं हुई थी उससे ज्यादा मौतें हो गई थी कोरोना के डर से, मतलब किसी को भी हो जाता था कोरोना तो लोग इस बात से ज्यादा एक्सपायर हो गए कि भैया हमको कोरोना हो गया, उसका जो डर होता था वो काफी ज्यादा क्या आता था, बहुत ज्यादा खतरनाक होता था। इसलिए बेटा देखा जाए गांव में क्या होता है कि सांप के काटने से तो बाद में आदमी मरता है, उसके डर से पहले मर जाता है, अरे हमको सांप काट दिया अब तो हम बचेंगे नहीं, खत्म, हाई प्रेशर हो गया खत्म। तो यही आपको दिखाना, मैं बस यही बात बताना चाह रहा हूँ कि बेटा इसको लेकर डरो मत, अगर एसएससी जेई का अगर डर दिमाग में बैठ गया तो बेटा फिर समझ लो फिर बेकार है, ठीक है, फिर तो ये तुमको ले डूबेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इसका डर को मत बैठने दीजिएगा बेटा, इससे तुमने इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उससे लाख गुना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एसएससी जेई सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, अगर आपको नॉलेज है, बड़ी अच्छी नॉलेज है बेटा सिलेक्शन नहीं होगा आपको। सर क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि बेटा इसमें क्या है एसएससी जेई में ये होता है कि आपके पास स्पीड होनी चाहिए आपको, बट मैं कह रहा हूँ कि पलटने का मौका नहीं मिलता, जैसे अब सुनते हो ना कि हाँ अगर वो हमसे प्यार करेगी तो पलटेगी, पलट पलट, बेटा इसमें तुम पलटे ना एक बार भी पीछे वाले क्वेश्चन पलट नहीं पाओगे, पलटे तो बेटा छोड़ दो सिलेक्शन भी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एक बार शुरू किए तो बेटा बहुत कम चांस मिलेगा कि तुम दोबारा से किसी क्वेश्चन को देख पाओ, दोबारा से क्वेश्चन किसी को देख नहीं पाओगे। अरे भैया 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है भैया मेरे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल मिला के 200 क्वेश्चन है, और उसको बेटा 2 घंटे में करना है, मतलब 120 मिनट में करना है। तो ये जो फिल्मी कहानी होती ना, अगर वो हमसे प्यार करेगी तो पलटेगी, पलट पलट पलट, तो बेटा यहाँ 3 बार पलटे ना तो बेटा फिर पलट जाओगे, जो सिलेक्शन होगा पलट जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको पलटने का चांस ही मिलेगा, मतलब कि आई वॉन्ट टू से दैट यू विल नॉट गोइंग टू सी द सेम क्वेश्चन अगेन। अगर तुम अगेन दोबारा से क्वेश्चन देख रहे हो बेटा तो फिर तुम्हारा 150 कट ऑफ कहाँ पहुंच पाएगा, अगर तुम एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार देख रहे हो तो 150 कट ऑफ नहीं पहुंचेगा, और 150 नहीं हुआ बेटा तो फिर सिलेक्शन भूल जाओ। आपको नहीं सर 140 पे कट ऑफ गया था, बेटा 140 पे कट ऑफ जाता है तो 140 से लेकर 150 के बीच में जो बच्चे होते हैं वो वेटिंग लिस्ट में होते हैं, मतलब कि जो ऊपर वाले बच्चे छोड़ेंगे तो उनका सिलेक्शन होगा। तो बेटा कट ऑफ के आसपास मत रहिएगा, कट ऑफ से कम 10 से 15 मार्क्स ऊपर रहिए तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो बेटा फिर क्या होगा, वही वेटिंग लिस्ट होगा, सब कुछ होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बेटा क्या होगा, नाम होगा वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि वो लोग जितनी सीट होती है उससे 3 गुना लोगों को बुलाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए आपका जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर 142 था बेटा, उसको लेके मत चलिएगा, कम से कम उससे 10 से 15 नंबर लेके चलिए। आप जिस भी कैटेगरी के हो उससे जो भी कट ऑफ आता है आपका उससे 15 से 20 नंबर अपने आप को ऊपर रखेंगे तभी आप लोग सिलेक्शन होगा। अब बेटा बहुत ही सिंपल है, मैंने कहा ना बेटा कि इसमें आपको बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट है बेटा, इसमें यह नहीं कि आपको सब कुछ पूरा इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, बहुत ही लिमिटेड इसका सिलेबस डिफाइन है, उसी को आपको पढ़ना है, उसी में प्रैक्टिस करनी है और लगातार प्रैक्टिस करनी है बेटा, स्पीड पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बेटा स्पीड ही है जो कि आपको इसके अंदर क्या करेगा बेटा, नया पार लगाएगा। तो ये ओवरऑल बेटा क्या आपका एसएससी जेई के बारे में मैं आपको बताना चाहता था कि इसमें डरने की बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन बड़े ही ट्रिकी आएंगे, अगर उस क्वेश्चन को तुम देखोगे, अगर हमारे ट्रिक यूज करोगे तुरंत 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व, मैं अभी कराऊंगा यहां पे मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे आपको हैंडल करना, ठीक है ना। उसके बाद आपको बेटा इसका तरीका पता होना चाहिए। तो बेटा 2-3 चीजें हैं जो कि आपको पहले से आनी चाहिए, नहीं आती हैं तो बेटा उसको अपने एक पेज पे चिपका दो दीवार पर, प्रिंट आउट निकाल के। पहली चीज बैठ गया 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े चिपका लो दीवार पे, चिपका लो मतलब चिपका लो, मतलब अगर 10 तक आपको याद है तो 10 से लेकर 20 तक के पहाड़े चिपका लो, बहुत ही काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा
आपका 1 से लेकर 15 तक के या फिर 20 तक के जो स्क्वायर रो हैं और वो आपको याद होना चाहिए, मतलब कि आपका 15 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का आपका, 18 का स्क्वायर क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए कि मतलब 12 क्या हो गया, 44 हो गया, 13 क्या हो गया, 169 हो गया, आपका 14 क्या हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको सारे के स्क्वायर 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए बेटा, ये आपकी बेटा नैया पार लगाएगा, ठीक है। क्योंकि बेटा अगर एक बार समझ में आ गया कि हाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उसके बाद स्पीड ही मैटर करेगा, स्पीड जो होती है वही खेल खेलती है, ठीक है। तो ये बेटा क्या था, एक ओवरव्यू था एसएससी जेई एग्जाम को लेकर बेटा। 3 महीने के अंदर अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करोगे बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें सिलेक्शन पा सकते हो, लेकिन याद रखिएगा बेटा इसमें एक ही चीज आपको मैटर करेगा, खूब प्रैक्टिस विथ प्रॉपर ट्रिक्स। जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा उसको यूज करके आप कहीं के भी क्वेश्चन लगाइए, डजंट मैटर, हमारे ट्रिक को यूज करिएगा बेटा, तुरंत तुरंत आंसर आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर बेटा। तो वेरी वार्म वेलकम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन बेटा। और इस एसएससी जेई का जो डर होता है उसको आप बेटा ये धीरे धीरे कम करेंगे। एक दिन में देख बेटा, मैंने कहा ना कि एक दिन में ना ही तो प्यार होता है, ना ही तो बेटा क्या सिलेक्शन होता है, और ना ही बेटा डर खत्म होता है। तो धीरे धीरे आराम से इसके डर को खत्म करेंगे बेटा, और 2-3 महीने के अंदर आपको बेटा इस लेवल तक पहुंचना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और बाकी सब दुनियादारी भूल जाए बेटा। ये ध्यान रखना, अभी जो मोटिवेशन है उसको 3 महीने तक बरकरार रखिए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और रोज ये बेटा 3 से 4 घंटे आपको देने हैं रोज प्रैक्टिस के लिए। आप ये सोचो कि मुझे बेटा क्या करना है, कम से कम 150 से 2 क्वेश्चन रोज सॉल्व करने हैं, चाहे कैसे भी याद करने, मतलब 200 क्वेश्चन मैं देख लूं रोज तो मेरे को वो दिमाग में रहने चाहिए। ये बात अपने दिमाग में रखिए बेटा, और आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, इस डर को थोड़ा सा भगाते हैं बेटा और सिलेक्शन की मुहिम को आगे लेके चलते हैं, ठीक है भैया। तो ये है बेटा क्या एसएससी जेई, ठीक है, एग्जाम। और इसमें बेटा मैं सिर्फ बात करूंगा आपके पेपर पैटर्न की, बहुत ही बार आपने देख चुका होगा, इसलिए हम कह रहे हैं बेटा इस पेपर पैटर्न को ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा, इसको चिपका लो अपने दीवार पर किसी पे कि भैया ये आपका एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, ठीक है बेटा। आपको बेटा क्या है, जनरल इंटेलिजेंस है, आपका जनरल अवेयरनेस है, बेटा आपका क्या है, आपका रिस्पेक्टिव ब्रांच है। तो ये 100 मार्क्स और ये 100 मार्क्स मिला के 200 मार्क्स है बेटा, और 200 मार्क्स के लिए आपको 120 मिनट मिल रहे हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम मिल रहा है, 1 मिनट से कम, मतलब कि आपको बस 40 सेकंड मिल रहा है। तो इसलिए बेटा, और ध्यान रखिएगा, 200 में से कम 150 चाहिए होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये बात अभी से लिख लो डायरी में बेटा। आप सोचोगे कि नहीं मेरा कट ऑफ निकल गया, हो जाएगा, नहीं बेटा कट ऑफ निकल जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं बेटा, कट ऑफ निकलने से नहीं होता, आपका वेटिंग लिस्ट में नाम रहेगा, क्या फायदा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, 2 घंटे हैं आपको बेटा, ये 100 क्वेश्चन को ऐसे करना है कि इस क्वेश्चन को मैक्सिमम समय लगेगा बेटा, क्या 60 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाए मैक्सिमम, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा, क्योंकि ये जो आपका दिनचर्या है इसमें बड़ा ही घातक होता है ये, तो बेटा इसमें जो रीजनिंग होगा थोड़ा लेवल अच्छा आता है, और जीके में थोड़ा सा बेटा क्या है वो आपको दिखाएंगे, वो आपको प्रैक्टिस होता है बेटा। अभी हम किसी बात करें, अभी हम बात करें टेक्निकल की। तो टेक्निकल में बेटा ध्यान से ये आपका जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को बेटा दिमाग में रखिएगा, इतना ही सिलेबस है आपका, ये जो टेक्निकल का सिलेबस है, मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो बेटा टेक्निकल का जो सिलेबस है इतना ही है, इससे बाहर मत जाना। फिर से कह रहा बेटा, इससे बाहर जाओगे तो बेटा फिर पीएचडी करने लगोगे तुम, ठीक है। टेक्निकल का जो आपका सिलेबस है इलेक्ट्रिकल का, वो बेटा यही 5, 6, 7, 8 लाइन है, यही 8 लाइन के ऊपर आपको काम करना है, ढंग से काम करना है बेटा, और उसी को बेटा हम यहाँ पे काम कराने वाले हैं आपको, और इसी में से आपके 15 साल के क्वेश्चन सारे बने हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा इसमें से 10 से 12 मार्क्स बेसिक कॉन्सेप्ट गया, वही आपका आर एल सी, आपका थ्योरम्स हो गए, उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट, वही बेटा क्या है, ये तीनों मिला के बेटा क्या है आपका, ये बी डबल ए है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मतलब आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिकल होता है उसी से आपके मार्क्स कितने आ जाएंगे बेटा, आपके अराउंड 30 से 35 मार्क्स आपके इसी में से आ रहे, किसी बेटा आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल से, बस उसने अलग अलग पार्ट दे दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट, आपका मैग्नेटिक सर्किट, आपका फंडामेंटल, आपका एसी सर्किट। तो बेटा ये तीनों क्या होते हैं, हम लोग किसमें पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल में, और इसमें से 30 से 35 मार्क्स आपके मुट्ठी में होते हैं बेटा, ये बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको कवर कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, एकदम पूरे के पूरे मार्क्स इसमें ले सकते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा मेजरमेंट, अगेन बेटा मेजरमेंट में क्या होता है आपका, 12 से 15 मार्क्स के आपकी बेटा वेटेज है, आराम से चाहोगे तो इसमें से आप 14 से 14 मार्क्स, 13-14 मार्क्स आराम से पा जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर नहीं भी होता है, थोड़ा लंबा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 13-14 आराम से पा जाओगे बेटा। और ये बेटा इलेक्ट्रिकल मशीन, अगर बेटा इलेक्ट्रिकल मशीन, फिर से अगर बेटा मशीन का नाम सुनकर डरो मत, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, मैंने कहा ना कि एक क्वेश्चन करने में आपको 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है, मतलब कि आपको ओवरव्यू पूछेगा, ज्यादा डीप में लेके नहीं जाएगा बेटा, डीप में लेके नहीं जाएगा, और डीप में लेके जा रहा है उसको छोड़ दो, क्योंकि बेटा अगर उस पर तुम फंस गए तो फिर तुम अगले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बेटा ये आपका कितना है मशीन का,
15 से 20 मार्क्स से पूछेगा। और फिर बेटा क्या होता है, पावर सिस्टम होता है, पावर सिस्टम 12 से 15 मार्क्स। उसके बाद बेटा क्या आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग मतलब यूटिलाइजेशन आता है। इसमें यूटिलाइजेशन में क्या आता है आपका, ट्रैक्शन हो गया आपको बेटा, क्या होगा ल्यूमिनस हो गया, ये सब बेटा किसमें आता है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग में आता है बेटा। उसके बाद आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 12 से 15 मार्क्स। तो बेटा ये 8 आपके टॉपिक जो है, इसी में से सारा का सारा पूरा एसएससी जेई का टेक्निकल क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रिकल में। अब तुम इससे बाहर मत चले जाना कि हाँ तुम पढ़ रहे हो ईएमएफटी पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो कंट्रोल पढ़ रहे हो, तुम सिग्नल पढ़ रहे हो, बेटा ये सब बाद में, अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, ये सब कहीं भी यहां पर नहीं दिया बेटा। इसलिए ध्यान से याद रखिए बेटा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछेगा तो बहुत ही सिंपल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उसको पूछेगा, और वो भी बहुत ही बेसिक सिंपल पूछेगा, ठीक है। तो वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जो टारगेट होना चाहिए आपको बेटा इस एक दो महीने में, कि इसके सारे के सारे कम से कम 4-5 हज़ार क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट विद ट्रिक, इन 5-8 जो आपके टॉपिक्स हैं ये कवर होने चाहिए। और बेटा इसी 8 टॉपिक को एसएससी जेई ने मेंशन किया हुआ है। तो बेटा जो सिलेबस वो मेंशन करते हैं उसी को बेटा आप लोग ग्रंथ मान के काम किया करो बेटा, इससे बाहर मत जाना। पहले ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इससे बाहर बेटा आपको नहीं जाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि इसका जो सिलेबस है बहुत ही कंसाइज है, एकदम ध्यान से पहले दिन इस सिलेबस को निकाल काट के चिपका लेना दीवार में बेटा, और इससे बाहर नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब तो नहीं आएगा बेटा, क्योंकि पिछले 15 साल में तो नहीं आया इससे बाहर, तो बेटा आगे भी नहीं आएगा, यही हम लोग मान सकते हैं। तो ये 15 साल के जितने क्वेश्चन बेटा उसको सॉल्व करना है विद ट्रिक्स बेटा, क्योंकि बेटा मैंने कहा ना कि पहले क्या होता था, 200 में से 100 मार्क्स आ गया, 110 मार्क्स आ गया, हो जाता था, ठीक है बेटा। लेकिन अब क्या है, आपकी सीटें कम है, स्ट्रेंथ ज्यादा है बेटा। लास्ट ईयर 142 गया बेटा, और 145 वाले को भी सिलेक्शन नहीं हुआ, वो अभी भी वेटिंग लिस्ट में है बेटा, बहुत सारे बच्चे हमने देखे हुए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपना जो मार्किंग है 150 से ऊपर का टारगेट रख के पढ़ाई करो बेटा, अगर नहीं हो रहा छोड़ दो, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो चलिए बेटा इसी बात पे, इसी चीज को अपने दिमाग में रखिएगा, टेक्निकल पार्ट को बहुत ही स्ट्रांग करना है आपको बेटा। 100 मार्क्स में से अगर आपने क्या किया बेटा 80 से 90 का टारगेट बना के चलो, हो जाएगा। क्योंकि बेटा देखो जीएस में तुम चाहे जितना भी पढ़ लो कमी आएगा तुम्हारा बेटा, 20-30-40 आ जाए वही बहुत है, ठीक है। जीएस के वहां पे तुम पढ़े हो बेटा, और ना ही कितना पढ़ भी लोगे तब भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि बेटा वो कुछ भी पूछेगा। इससे बढ़िया बेटा अपना स्ट्रांग पार्ट जो है उसको थोड़ा और मजबूत कर लेते हैं, और बेटा रीजनिंग तो सभी लोग कर लेते हैं बेटा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसको आइए बेटा आप स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही बेखूबी से क्वेश्चन को करते हैं। तो बेटा मैं अभी क्या करूंगा, ये 3-4 सेशन जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे बेटा। आज हम लेके आए हैं एसएससी जेई 2018 का जो पेपर था इवनिंग शिफ्ट का, वो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बेटा उसी के हैं। इसलिए बेटा उन क्वेश्चन को देखिएगा और कोशिश करिएगा कि जिस तरह से हम बताएंगे उस तरह से बेटा आपको पढ़ना है बेटा। ये बेटा क्या है एसएससी जेई आपका, आज हमारा जो पेपर सॉल्व होगा वो बेटा कौन सा होगा, 2018 का पेपर जो आया था आपका, वो आपका इवनिंग शिफ्ट का, वो बेटा आज हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हाँ यार क्वेश्चंस को कैसे रगड़ना है, कैसे उसको निकालना है, ठीक है भैया। चलो तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, और बहुत ही प्यार से बेटा मैं फिर कर रहा बेटा कि स्टार्टिंग डर लगेगा, सब कुछ लगेगा बेटा, मन करेगा करे हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा होता है बेटा, लगे रहो और लगे रहो बेटा, यही एक तरीका है सिलेक्शन पाने का बेटा, और बस थोड़ा सा जो तरीके बताऊंगा उसको यूज करना हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन बेटा, गुड मॉर्निंग। और बेटा आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और ये बेटा क्या आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से देखिए बेटा, और इस क्वेश्चन के साथ साथ बेटा हमारा काम क्या है, सिर्फ आपको सोल्यूशन नहीं देना बेटा, सोल्यूशन के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते हुए चलेंगे जो कि आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो जो जो चीजें मैं बोलूं तुरंत उसको बेटा 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको वो दिमाग में बैठ जाएगा। पहला भैया क्वेश्चन कि निम्न में से किस में ऊर्जा का विद्युत चार्ज के रूप में संग्रह करना की क्षमता, बेटा कह रहा है इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में एनर्जी यहां पे कौन स्टोर करता है बेटा, बहुत ही प्यार से ध्यान से बताइए आंसर। तो बेटा ध्यान रखिएगा हमारा जो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस बेटा वो कौन कौन से है, एक कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी, और एक करता है इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है। तो जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फॉर्म में, क्या करता है बेटा ये एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है, कौन बेटा आपका इंडक्टर। और जो आपका कैपेसिटर होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म में आपका बेटा क्या करता है एनर्जी को बेटा क्या करता है स्टोर करता है, ठीक है बेटा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और बहुत ही प्यार से बेटा ये कि आपका हाफ सीवी स्क्वायर होटा हो गया यहाँ पे, और बेटा यहाँ पे क्या हो गया आपका ये हाफ एलआई स्क्वायर हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंडक्टर होता है मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, ये आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में करता है कैपेसिटर, और ये जो रजिस्टर होता है ये एनर्जी स्टोर नहीं करता, ये क्या करता है बेटा आपका ये डेसिपेट करता है बेटा, क्या करता है ये एनर्जी को जो मिलता है तुरंत खा पी के बराबर कर देता है बेटा, ये डेसिपेट कर देता है, ठीक है बेटा। तो ये करता है डेसिपेट कर देता है, ओके। तो ये बातें याद रखिएगा। उसके बाद एक इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है बेटा, क्या आपका एक टर्म आता है बेटा, क्या आपसे मैं पूछूंगा, हम इसको भी थोड़ा टच कर लेते हैं, अति
टैक्सी चालक को, बेटा आपको पता होगा एक टर्म होता है ससेप्टेबिलिटी, क्या होता है बेटा आपका ये, एक टर्म होता है ससेप्टेबिलिटी, क्या भैया ससेप्टेबिलिटी मतलब कि आपका जो मटेरियल है वो बाहर बाहरी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसमें कितना उसके उससे उसको अट्रैक्ट कर रहा है कि उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये बताइए जो सुपर कंडक्टर होता है उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, वन होती है बेटा, कि इसकी ससेप्टेबिलिटी -1 होती है, कि इसकी ससेप्टेबिलिटी 0 होती है, या फिर इसमें से कोई नहीं बेटा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम चाहते हैं कि बेटा तुरंत तुरंत आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन बैठे जो कि आ चुके हैं। तो ससेप्टेबिलिटी है मतलब ससेप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपका जो मटेरियल है वो बाहरी क्षेत्र में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको उससे वो कैसे बिहेव करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी बेटा। तो सुपर कंडक्टर की ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, जल्दी से इसका आंसर बताइए बेटा, और बहुत ही प्यार से इसको याद भी रखिएगा बेटा। एंड द आंसर इज बेटा व्हाट, दैट द ससेप्टेबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर बेटा। सुपर कंडक्टर क्या होता है बेटा, जो कि बेटा क्या होता है बहुत ही, इसमें आर क्या होता है, आर ऑलमोस्ट क्या होता है अप्रोक्स 0 होता है, तो मतलब बेटा इसका जो ससेप्टेबिलिटी होता है हमेशा याद रखिएगा क्यों भैया क्या होता है -1 होता है। और बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो सुपर कंडक्टर होता है वो कैसे बिहेव करता है, एज अ डायमैग्नेटिज्म, ठीक है बेटा, डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो एक -1 होती है और -1 होती है बेटा, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सारे 3-4 पॉइंट जो हमने बताए हैं बेटा इस पे क्वेश्चन पूछेगा और रगड़ के पूछेगा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हमने आगे बढ़ा बेटा और ये छोटे छोटे क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए चलेगा, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि बताइए हमको विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारे बड़ा क्वेश्चन क्या है बेटा आपके 2018 एसएससी जेई के हैं, बस छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, इसके ऊपर बढ़ेंगे क्वेश्चन अच्छे अच्छे, तो इन सभी को ध्यान से करिएगा क्योंकि छोटी सी गलती सारा खेल बिगाड़ेगी। इसमें कह रहा है कि भैया इसमें से सबसे कम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, जो आपके स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है सबसे कम किसमें होते हैं, तो ऑब्वियसली बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसकी कनेक्टिविटी कम होगी, मतलब कि वो क्या होगा आपका इंसुलेटर होगा, तो इंसुलेटर में जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, उनकी संख्या क्या होती है बेटा सबसे कम होती है, तो आंसर इज योर इंसुलेटर। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे बेटा, इसमें ध्यान रखिएगा, कंडक्टर ने बोला बेटा लीस्ट बोल रहा है, लीस्ट नहीं बोल रहा बेटा, लीस्ट मतलब क्या होता है कम होता है, कम सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं किसमें होते हैं बेटा आपके इंसुलेटर में होते हैं। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिए बेटा, यहाँ पे एक चीज और याद रखिए बेटा कि आपका जो सेमीकंडक्टर है और आपका जो इंसुलेटर है इन दोनों का जो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो बेटा क्या होता है, वो आपका निगेटिव होता है। मतलब भैया क्या होता है इसका, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सेमीकंडक्टर है अर्धचालक है या कुचालक है, इसका अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका आर क्या होता है कम होता है, ठीक है बेटा। इसी तरह से कंडक्टर क्या होता है, इसका पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशियंट होता है, मतलब कि भैया अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखिएगा बेटा। और ये जो आपका सुपर कंडक्टर बेटा इसमें क्या होता है, इसमें डिपेंड करता है कि हाँ आपका टेम्परेचर क्या है, तो जनरली क्या होता है इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है बेटा, ये भी आपका पूछ चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा और बहुत ही प्यार से इसको दिमाग में रखिए बेटा। अलग अलग टेम्परेचर पे ये अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, कौन बेटा सुपर कंडक्टर, तो इसको उतना ज्यादा आपको दिमाग में नहीं डालना है। हाँ, इसको इंसुलेटर को सेमीकंडक्टर को और कंडक्टर को दिमाग में रखिएगा, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव किसका होता है, बस काम खत्म, आगे बढ़ते बेटा, धीरे धीरे पॉइंट्स को लेंगे बेटा और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट, आपके जो एसआई यूनिट है बेटा किसकी बेटा, वॉट, वॉट है बेटा, वॉट नहीं है, वॉट जो है वो किसकी एसआई यूनिट बेटा, वॉट जो है वो किसकी यहाँ पे एसआई यूनिट है, तो बेटा वॉट बताइए बेटा हम किसकी एसआई यूनिट होती है, पावर की, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा आपकी वॉट होती है। उसके बाद बेटा हम बोले आर्क यूनिट क्या होती है, आर्क यूनिट होती है ओम होती है, वोल्टेज की वोल्ट होती है, और बेटा आपका करंट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो ये छोटी छोटी बातें बेटा इसको दिमाग में रखिएगा। तो ये तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बेटा, ठीक है ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा तोप नहीं है, कह रहा है कि भैया निम्न में से कौन सा विद्युत शक्ति के लिए सही व्यंजक है, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का इसमें से सही जो आपका फॉर्मूला है कौन सा बेटा, बहुत ही सिंपल सिंपल बेटा, हम लोग तो इस पे क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार किए हुए। तो पावर का बेटा क्या होता है आपका V into I होता है, या तो V into I होगा, या बेटा क्या होगा आपका V square by R होगा, या तो बेटा क्या होगा आपका I square R होगा, ठीक है। तो ये बातें याद रखिए बेटा, तो यहां से ये छोटी छोटी बातें याद रखिए बेटा। और इसमें जो एक्स्ट्रा टर्म है जो जोड़ोगे बेटा याद रखिएगा, वोल्टेज क्या होना चाहिए बेटा, ये RMS वैल्यू होती है, ये बेटा क्या होती है, ये भी क्या होती है आपकी RMS वैल्यू होती है, ठीक है ना। इसके बाद ये जो पावर होता है ये कौन सा पावर होता है आपका, ये आपका एवरेज पावर होता है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा ये कौन सा पावर होता है आपका, ये आपका एवरेज पावर होता है, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला क्या बेटा आपका V square by R is the
करेक्ट आंसर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर के बेटा, और धीरे धीरे पॉइंट्स को पकड़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, देखने में सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है बेटा। कह रहा है व्हाट विल बी द प्रतिरोधक का प्रतिरोध में क्या होगा जब प्रतिरोधक के माध्यम से विद्युत धारा 2 एम्पियर है और प्रतिरोधक के दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो 40 वोल्ट है। कह रहा है भैया आपका व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर व्हेन द करंट थ्रू द रजिस्टर इज 2 एम्पियर। करंट कितना है 2 एम्पियर है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा आपका 40 है। तो इसमें बेटा आपका क्या कह रहा है, इसमें आपका पूछ रहा है कि भैया हमको बताइए कि रेजिस्टेंस कितना होगा रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल बेटा, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर बेटा। ये क्या होता है आपका ओम्स लॉ होता है, ये क्या होता है आपका ओम्स लॉ होता है बेटा। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा देखोगे तो आपको दिया हुआ बेटा क्या, यहाँ पे करंट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, काम खत्म। यही तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको बेटा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चलो अब क्वेश्चन ये आए हुए हैं तो बेटा सॉल्व लाइन से करते हैं बेटा इसको। तो यहाँ से आर कितना आएगा बेटा आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेटा एक बात याद रखिएगा, जो ओम्स लॉ ये डिफाइन होता है बेटा, ये डिफाइन है किसके लिए बेटा, ये डिफाइन होता है तभी जब आपका टेम्परेचर जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। अगर आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो ओम्स लॉ हम लोग नहीं लगा सकते। याद रखिएगा ओम्स लॉ आपका तभी तक वैलिड है जब तक क्या है बेटा आपका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट मान के हम लोग ओम्स लॉ को डिफाइन करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में कि ओम्स लॉ के लिए हमने कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, तो बेटा याद रखिएगा ओम्स लॉ के लिए आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तभी हम लोग ओम्स लॉ को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। अगर टेम्परेचर अगर वेरी कर रहा है तो हमारा ओम्स लॉ क्या होगा बेटा, परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें बेटा इसको दिमाग में रखिएगा, और हम साथ में ये सब चीजें बता रहे हैं क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, और बहुत ही तरीके से अच्छे से दिमाग को खोल कर रखिएगा बेटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, अब हमने कहा ना बेटा जो आपका SSC JEE का एग्जाम है बेटा वो क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो गई, बिलीव मी बेटा आपके क्वेश्चन सारे बहुत ही प्यार से लगेंगे, ठीक है बेटा। तो कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है आपको, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 18 मीटर लॉन्ग सिलेंडर वायर व्हेन द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज इतना, और बेटा आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12। तो बेटा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब इसमें पूछ क्या रहा बेटा, इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया पूछ रहा है। तो ए क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा रो एल बाय आर। बेटा रो कितना दिया हुआ है आपको, रो बेटा देखो यहाँ पे दिया हुआ है आर, आपको रो वैल्यू दिया बेटा देखो यहाँ पे बेटा देखिए रेजिस्टिविटी कितना दिया 0.67 इंटू एल। एल कितना बेटा आपका, देखिए एल दिया बेटा कितना आपका, लेंथ दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है इट इज अराउंड 18 मीटर बेटा, यहाँ पे 18 कर दिया। उसके बाद बेटा आर दिया हुआ आपको 12, तो बस यहाँ से सॉल्व करो बेटा आंसर आ जाएगा 6 × 12 और 6 × 12 6 × 3 = 18 बेटा, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर करके चलाएगा बेटा। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका 3 × 2 = 6 और 2 × 3 = 6 और बस 2 × 5 = 10। तो यहाँ सॉल्व कर लो बेटा, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा, और जो भी आंसर आएगा उसको आप लोग मार्क कर लेंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा देखो, इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स बेटा कितना आएगा, ये 0.99 समथिंग आ रहा है, तो बेटा इसका आंसर क्या जाएगा 1 हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट करो और आंसर तुरंत निकाल दो बेटा, ओके। तो आंसर इज योर, दैट इज योर 1 मिलीमीटर आपका 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इस तरह से छोटी छोटी बातें बेटा याद रखिएगा, और गलती यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 1 है कि 3 है, इसी में कन्फ्यूजन होगा बेटा, क्योंकि हमने इसको सॉल्व आपके सामने किया है और इसका आंसर सी होगा कि बी होगा, ये आपको ध्यान से करके बताना बेटा, और बहुत ही प्यार से ऐसे क्वेश्चन को करा करो, क्योंकि बेटा कन्फ्यूजन होता है कि 3 मार दोगे कि 1 मार दोगे, उसी में पॉइंट्स के बेटा क्या होते हैं, पॉइंट जो होता है वो जो आपके दशमलव होते हैं उसी का खेल है बेटा, गलती मत किया करो, क्योंकि बेटा गलती किए तो सारा खेल हो जाएगा खराब, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बच्चे जो दे रहे हैं, ध्यान से उसका बेटा आंसर चेक करिएगा, उसके बाद आंसर मारिएगा। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को वैसे देखा जाए, आप लोग सॉल्व करिए पहले, आप लोग सॉल्व करिए, फिर हम आपको बताएंगे कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप सॉल्व करो बेटा, इसका जो आंसर है पहले उसका आंसर आप लोग हमें दीजिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए कि हाँ भैया इसका आंसर तुम लोग कैसे निकालोगे तुरंत। देखो बेटा मैंने कहा ना कि स्पीड, इसमें आपको बेटा देखिए एक तरीका क्या है कि हाँ तुम फॉर्मूला लिख रहे हो, उसमें पुट कर रहे हो, फिर आंसर निकाल रहे हो, ये बेटा ले जाएगा आपका कम से कम वो 30 से 40 से मतलब कम से कम 1 मिनट तो ले लेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अगर तुमको 10 सेकंड में करना है तो 10 सेकंड में इसका आंसर कैसे निकालोगे ये बताइए बेटा हमको, ये बताइए कि इसका आंसर 10 सेकंड में तुम कैसे निकालोगे। बहुत ही प्यार से इसका आंसर दो बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को तुम विद इन अ सेकंड कर सकते हो, अगर जो हमने ट्रिक सिखाया है उससे करते हो, ठीक है ना बेटा। चलो आइए हम सिखाते कैसे करते। अब देखो बेटा ये है क्या, ये बेटा क्या है, कैपेसिटर है। अच्छा सर, हाँ सर दिख तो रहा है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
सर कैपेसिटर ही तो है, दिख तो रहा है कैपेसिटर है। हाँ बेटा, तो इसमें देखो बेटा क्या बात, बड़ी बात है। अब यहाँ पर बात यह है बेटा कि देखो यहाँ पे 20 के साथ कुछ पैरेलल में ऐड है, ये सी है बेटा। तो हम ये कह सकते हैं जो ये सी आएगा, टोटल सी जो आएगा वो क्या होगा, 20 से ज्यादा होगा। क्या हम ये कह सकते हैं? देखो बेटा, मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन को जो हम तरीका सिखा रहे हैं उससे करो बेटा, तुरंत आंसर आएगा, तुरंत मतलब तुरंत, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं जो कैपेसिटर का पैरेलल में लगा हुआ है, तो हम कहेंगे अगर यहाँ पे सी निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 20 से ज्यादा आएगा, हमेशा 20 से ज्यादा ही आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना बेटा, बोलो हाँ या ना, आएगा ना बेटा? हाँ आएगा सर, आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा सर ठीक है, अच्छा ठीक है सर। उसके बाद ये देखो बेटा, ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है बेटा। अब देखो बेटा मुझे याद है, याद करो बेटा, हमने सिखाया था जब सीरीज में होता है सी तो इसका जो टोटल आएगा बेटा, इसका जो टोटल आएगा वो बेटा क्या होगा, चार से कम होगा, चार से कम होगा, चार से कम होगा, चार से कम होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना बेटा। हाँ सर चार से कम होगा, चार से कम होगा, ठीक है बेटा ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे जो आंसर होगा वो चार से कम होगा। मान लो चार होता है, चार भी होता बेटा तो क्या आंसर हो जाएगा, मान लो चार भी होता है तो 20 प्लस चार कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन चार कभी होगा नहीं, लेकिन चार कभी बेटा होगा नहीं, चार से थोड़ा कम ही होगा, तो चार से कम होगा तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 22.66, ठीक है। तो इस तरह से बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी तुम तुरंत के तुरंत आंसर निकाल सकते हो बेटा। तो इसलिए कोशिश करो कि आपको जो स्पीड चाहिए वो बेटा मैटर करेगा एग्जाम में, सिलेक्शन में। नॉलेज क्या है बेटा छोड़ दो, नॉलेज क्या होगा फिर वही करोगे, C1 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, बेटा नहीं हो पाएगा बेटा। सिलेक्शन चाहिए तो समझना पड़ेगा। बोलो ये बात समझ आ रही कि नहीं, ये बात आप लोग को समझ में आए कि नहीं बेटा जो हमने यहाँ बताया। हमने कहा कि बेटा ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो बेटा हम ये कह सकते हैं पैरेलल में क्या होगा, ऐड होगा। तो हमको पता है ये 20 है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 20 से ज्यादा ही होगा, तो 20 से ज्यादा होगा बेटा, हमने कर दिया ये। अच्छा भैया ठीक है। उसके बाद बेटा देखो ये सीरीज में है, सीरीज में है तो सीरीज में जो हमारा आंसर आता है सी का, सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, चार से कम आएगा। तो चार से कम आएगा बेटा, तो अप्रोक्सीमेट करोगे इसको, इसको अप्रोक्सीमेट करोगे बेटा। देखो देखो यहाँ देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से इसको देखिए। देखो मान लो यहाँ पे देखो 10 × 4 है बेटा, क्या आ जाएगा, 4 बटा में ये क्या जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। तो बेटा कितना आ गया, ये 8 आ गया, ठीक है, ये 8 है बेटा, ये 4 है, ये 8 है बेटा। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स जो इसकी वैल्यू बेटा 4 से कम ही आएगी, और जो 4 से कम आएगी बेटा तो फिर इसको अपने आप से सॉल्व करके बेटा क्या करोगे आप लोग, 4 से कम अप्रोक्स कितना मारोगे, इतना तो कम नहीं होगा, 20 के आसपास थोड़ा होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ेगी, 4 थोड़ा ही से कम होगा, तो आंसर बेटा का अप्रोक्सीमेट इतना आएगा बेटा। और यही अप्रोक्सीमेशन आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बेटा काम हो जाएगा खराब, नहीं तो बेटा काम हो जाएगा खराब। अब देखो ध्यान से, अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, अब थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे बढ़िए और सीखिए और बताइए बेटा आंसर आपको समझ में आ रहा बेटा, आंसर आपको समझ में आ रहा है। देखो अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बेटा, 4 × 8 है, 4 × 8, 4 × 8 बेटा क्या हो गया, 8/3 हो गया। तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो, 3 × 6 तो देखो 20 + 2.2 कितना होगा, 22. कुछ होगा। तो हम चाह रहे हैं कि ये सब ना करना पड़े आपको, ये सब ना करना पड़े बेटा, ये सब करोगे तो समय जाएगा। और समय यहाँ पे बेटा हमने कहा ना कि अगर तुमने क्वेश्चन को 2-3 बार पलटा तो बेटा फिर यहाँ पे प्यारी होगा पढ़ाई, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, बहुत ही प्यार से बेटा क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। आई होप ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन को बेटा नए तरीके से करो बेटा, सोल्यूशन किताब मत देखिएगा, जो हम सिखाते हैं उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन जो सोल्यूशन हम बता रहे हैं बेटा वो कहीं नहीं मिलेगा बेटा, वो आपको चक दे क्लास में ही मिलेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इसमें आपको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि भैया हमको बताइए सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। बेटा तुरंत आंसर लिखो क्या भाई, सी इज इक्वल क्या होता है, सी होता है आपका एप्सिलॉन ए बाय डी होता है ना बेटा, ये पढ़ा होगा आपने। तो हमसे डी पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, तो हम डी को यहां पे लिख देते बेटा इज इक्वल टू, तुरंत लिखो, यानी कि यहां पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तुरंत पहले करो इसको ऐसे लिख लो। उसके बाद यहां बेटा देखिए कह रहा है कि भैया एप्सिलॉन, अब एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू तुमको याद है तो कर लोगे, नहीं याद है तो बेटा फिर तो बैठे रह जाओगे बेटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻¹2, ठीक है बेटा इसको याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻¹2 एरिया बेटा। तो एरिया यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे अगर एरिया देखा जाए तो 0.002 दिया हुआ है, 0.002 दिया बेटा, ओके ठीक है। और सी हमको नहीं दिया बेटा, सी नहीं दिया है, लेकिन कह रहा है कि भैया हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें वोल्टेज दिया हुआ है बेटा, और उसमें बेटा आपको क्या दिया हुआ है, उसमें आपको दिया हुआ है आपको प्लेट का चार्ज दिया हुआ है। तो बेटा मुझे ये बताइए पहले कि 1 pC ये पीसी क्या होता है बेटा, ये होता है पीको, 1 pC। तो बेटा हमको ये बताइए कि 1 pC बराबर कितना होता है, 1 pC बराबर कितना होता है, 10⁻⁻⁹ 10⁻⁻⁹ 10⁻⁻⁹ 10⁻⁻⁹
10 घाते माइनस 15 या फिर नन ऑफ दिस। पीको मतलब कितना होता बेटा, पीको बेटा हमने कहा ना कि यूनिट का इकाई का ध्यान, बहुत ही प्यास देखिए यहां पे कह रहा है भैया चार्ज जो है वो 1 पिको कूलम है। तो पीको किसके बराबर होता है बेटा, 1 पीको किसके बराबर होता है, 1 पीको जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, यही आपको बताना बेटा, जल्दी से बताइए कि 1 पीको जो है वो किसके बराबर होता है बेटा। तो यहां पे इसको लिख लीजिएगा बेटा, ये पूछ चुका है कि 1 पीको कूलम किसके बराबर होता है बेटा, आपका 10^-12 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, तो पीको मतलब यह क्या, 10^-12। तो यहां देखो बेटा आपको, यहां पे आपको पता होना चाहिए बेटा, क्या पता होना चाहिए सर जल्दी बताओ। हमने कहा भैया Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है, हमको Q दिया हुआ है, हमको V दिया हुआ है, C निकालो बेटा, तो C क्या हो जाएगा आपका Q बटा में V, Q कितना बेटा आपका 16 घाते 10^-12, और बेटा ये क्या हो गया आपका, आपका V कितना दिया हुआ है, ये आपको 4 दिया हुआ है, बस यहाँ से कितना आ गया ये 4×16, तो बेटा C कितना आ गया, C आ गया आपका 4 पीको फेरेड आ गया। तो यहाँ पे इसको बेटा पुट कर दो, तो यहाँ पुट करो बेटा कितना आ गया 4×10^-12, बस यहां से सॉल्व करो बेटा और आंसर देखो, ये कट जाएगा, ये और ये कट गया, 4×8 और ये बेटा आपका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4.4 समथिंग आ रहा बेटा। तो अप्रोक्सीमेट करोगे आंसर ये हो जाएगा, काम खत्म, आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस को अप्रोक्सीमेट करना है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है बेटा। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा कि स्पीड ही मैटर करेगी एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए। तो बेटा यहां पे ध्यान रखिएगा, पीको कितना होता है, नैनो कितना होता है, ये सब चीजें आपको लाइन बाय लाइन सब याद कराऊंगा बेटा। बस आप लोग बस बने रहिएगा, हमारे तरीके से पढ़िए बेटा, हम आपको बेटा गारंटी देते हैं कि 2-3 महीने अगर आपने रगड़ लिया हमारे साथ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि बेटा आप लोग वहां पे ना कर पाओ। ठीक है भैया, चलो तो यहां पे देखिए बेटा, ये कट गया 4.2 हो गया, तो भैया 2.2 तो भैया क्या है, इस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा 4.4, तो एप्रोक्सीमेट 4.4 मार दो, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो 4.4 आ जाएगा बेटा और काम हो जाएगा खत्म। ठीक है भैया, आपको सर यहां पे 0.00 कहां चला जाएगा, ये 10^-3 है बेटा, तो 10^-3 बेटा देखो उसने इसका हिंट दिया हुआ यहाँ पे, मिलीमीटर में पूछ रहा है, तो मिलीमीटर पूछ रहा है बेटा, ये 4.4 मिलीमीटर आएगा, बस काम खत्म। तो ऐसे आपको बेटा क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना बेटा। आई होप बात आप लोग समझ गए होंगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर किए। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया हमको ये बताओ कि ये जो करंट सोर्स है ये कितना पावर जो है डिलीवर कर रहा है, कितना पावर दे रहा है। तो भैया पावर का हमको एक ही फॉर्मूला पता है, टी इज इक्वल टू क्या होता है, I × R। अब भैया हमको आई पता है, हमको आर निकल जाए काम हो जाएगा। अब यहां पे आर निकालने के लिए बेटा थोड़ा सा जल्दी करिएगा, क्योंकि बेटा हमने कहा ना कि आपका स्पीड बहुत ही मैटर करेगा एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए। तो इसमें बताइए कि आर आप लोग कितना जल्दी निकाल सकते हो, तो हम इसको थोड़ा बड़ा करते, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते बेटा, ये लो बड़ा कर दिया। ठीक है, ये बड़ा कर दिया हमने, हमको बताइए बेटा यहां पे आर कितना आएगा, यहां पे आर जो होगा टोटल कितना होगा। अब आप खुद देखो बेटा यहां पे आर कितना होगा, यहां पे 2 तो ठीक है, 2 दिया हुआ है, यहां देखो बेटा कितना है, ये 3 है। ठीक है, ये कितना बेटा आपका 10 है, तो यहां 3 है बेटा, यहां 10 है, तो मान लो बेटा क्या हो गया, ये 3×9 मान लेते हैं, ये 9 है तो बेटा क्या आ जाएगा 10/4 होगा बेटा, कितना जाएगा ये, यह आ जाएगा 4×2 = 8, और बेटा क्या जाएगा 4×2 = 8 पॉइंट क्या जाएगा 4×2 = 8, और बेटा क्या जाएगा ये आपका 4 पॉइंट, मतलब कि आपका क्या जाएगा 2.6 समथिंग आएगा, तो 2.6 आएगा बेटा, 2.6 आएगा। तो इसमें आप मान लो एक थोड़ा सा बढ़ा लो इसको, क्योंकि बेटा ये आपका बेटा वैल्यू है, तो वैल्यू बेटा क्या आएगा आपका, ये थोड़ा बड़ा है तो इसको 2.7 मान लो, 2.7 मान लो बेटा, तो ये 2.7 आएगा बेटा, अप्रॉक्सीमेट क्या आएगा बेटा, ये 2.7 के आसपास आएगा, क्यों बेटा, क्योंकि ये एक्जैक्टली यहाँ पे बेटा क्या है 3×3 = 9 नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए 2.7 कर दिया। अब देखो यहाँ पे बेटा I² क्या होता है आपका 25 हो गया, 25 हो गया इंटू 2.7 कर दो बेटा, यही आपका आंसर आएगा बेटा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो और आंसर इसको क्या करो बेटा, ये हो जाएगा 100/4, 25 क्या होता है 100/4 इंटू बेटा क्या 2.7, इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा और आपका आंसर निकल के चलाएगा। तो ये उसको बताइए बेटा आंसर कितना आएगा, तो यहाँ से बेटा इसको सॉल्व करिए और तुरंत इसका आंसर बेटा बताइए कितना होगा आंसर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि बेटा आपको ध्यान रखना है, और बहुत ही प्यार से इसको सॉल्व करोगे आंसर निकल के चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान ही रखिए बेटा, यहाँ पर ध्यान ही रखिएगा कि बेटा इसका जो आंसर आएगा वो बेटा क्या होगा आपका अराउंड 2.7 होगा। अब प्लस इसको करना मत भूल जाएगा बेटा, ये क्या आपका 2.7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4.7, और 4.7 को जब बेटा क्या करोगे आपका 100/4 करोगे बेटा, ये कितना आ जाएगा आपका 4×1 = 4, और बेटा क्या जाएगा यहाँ पे, यह 4×1 = 4 हो गया बेटा, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 4×1 = 4 हो गया, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4×2 = 8 अप्रॉक्स 2 आपका 2 आएगा। तो यहाँ से आप लोग अप्रोक्सीमेट करेंगे तो यहाँ पे देखो बेटा 4×1 = 4, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4×1 = 4, तो ये आपका बेटा 110 के आसपास आ रहा है, मतलब कि ये आपका 110 के आसपास आ रहा है, तो 110 के आसपास आ रहा है बेटा, मतलब क्या आ जाएगा इसका आंसर 107 के आसपास आंसर आ जाएगा।
107 के पास आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा एप्रोक्सीमेट करो। देखो मैं फिर से उसको बता रहा हूं, ध्यान से इसको करिए बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं। देखो इसको तुम जल्दी कैसे करोगे, देखो ये बेटा ये 2 है, ये 2 है बेटा, ये 3 है, 3 के पैरेलल में कुछ है, तो जो भी आंसर आएगा बेटा, देखो ये 3 है, ये 10 है, तो इसका जो भी आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, 3 से कम आएगा, 3 से कम आएगा, तो अप्रोक्सीमेट बेटा करेंगे, तो हमने अप्रोक्सीमेट किया तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 2.7 आ रहा है बेटा, 2.7 और 2 जोड़ोगे 4.7 आएगा बेटा, 4.7 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। हम लोग 25 को क्या लिख सकते बेटा, हम लोग इसको लिख सकते हैं 100/4। ये सब बेटा क्या आपको स्पीड है, इस स्पीड को आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता एग्जाम में। तो बस इसको सॉल्व करो बेटा और आपका आंसर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 4 × 1 = 4 और पॉइंट करो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 × 1 = 4 आ जाएगा बेटा। तो ये 110 के अप्रोक्स आ रहा बेटा, तो क्या 110 के अप्रोक्स क्या हो गया आपका 107 है, तो इसको मत मार दो और आंसर बेटा काम खत्म हो गया। तो ऐसे जल्दी से आपको स्पीड को बेटा अप्रोक्सीमेट करके आंसर लाना बेटा, और बिलीव में बेटा कि क्वेश्चन को जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना ही लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे बिल्कुल भी मत लगाइए कि हाँ 1/r = 1/r1 + 1/r2 करोगे बेटा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और फिर बड़ा ही ज्यादा खेल खराब हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास क्या है, दो लैंप है। इस दो लैंप में कह रहा है कि हमको ये बताइए कि दोनों लैंप में जो पावर होगा वो कितना डिलीवर होगा बेटा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये है तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसको जल्दी से कैसे करोगे वो मैटर करता है। हम आई निकाल लेते हैं क्योंकि सीरीज लगा हुआ है, तो आई कितना हो जाएगा बेटा आपका 40/15 हो जाएगा आई बेटा, दोनों का आर दिया हुआ 10 और 5 = 15, तो हमारा आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा इतना हो जाएगा बेटा, तो आई इतना हो गया। उसके बाद इस आई को मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आपको बेटा निकल जाएगा। चलो इसको हम करते हैं, ये कितना बेटा 15 × 3 = 45 ज्यादा हो जाएगा बेटा, ये कितना जाएगा 15 × 30 तो 30 हो जाएगा बेटा, उसको 10 बच गया, 10 हासिल हो गया बेटा, क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, तो 15 × 90 फिर बेटा क्या आ जाएगा 2.6 जाएगा। तो ये कितना आ रहा बेटा अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 2.7 आ रहा है, 2.7 आ गया बेटा। ठीक है, तो हमारा आई कितना आ गया 2.7 आ गया। फिर हम क्या करेंगे बेटा आई स्क्वायर आर करेंगे, तो आई का स्क्वायर करो बेटा कितना जाएगा, ये 27 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, ये होता है 729 होता है, तो 729 × 10 करोगे बेटा तो ये बेटा कितना आ रहा है आपका, ये आपका 0.772 के आसपास आ रहा है बेटा। तो 72 के आसपास आपका आंसर कौन सा दिख रहा बेटा, 72 के आसपास देखो बेटा, तो देखो बेटा ये 71 है, तो 71 72 के आसपास दिख रहा बेटा। देखो ये 3 ज्यादा है, ये आपका 4 ज्यादा है बेटा, ये 2 कम है, यहां तो बेटा आपका क्या है, आपका 72 के आसपास है। तुरंत इसको मारो, आग बंद करके आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल भी देरी मत करना बेटा, हम फैन है कि प्रैक्टिस मारना पड़ेगा। देखो 27 का स्क्वायर क्या होता है आपका 729 होता है, 729 × 10 करोगे बेटा क्या जाएगा आपका, ये अप्रोक्सीमेट करोगे तो बेटा ये आपका 72 के आसपास आ रहा है, मतलब 70 के पास आप बेटा आ रहे हैं। देखो 70.7 क्या होता है आपका, 70.7 कितना होता है, 71 होता है, तो अप्रोक्सीमेट आपका 72 ही आएगा, तो बेटा इसको अप्रोक्सीमेट करके आंसर मार देंगे तो 71 होगा। इस तरह देखो बेटा आई स्क्वायर 729, तो 729 लगा बेटा, तो यहाँ पे देखो आप करोगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 5 × 45 5 × 10 आपका 14 हो गया, अब 5 × 7 = 35, तो 35 करोगे बेटा तो आपका यहाँ पे 35 के अप्रॉक्स आ रहा बेटा, 35 के अप्रॉक्स आ रहा बेटा, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, एग्जाम में कैलकुलेटर आपको नहीं मिलेगा, कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो भैया आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बेटा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो आंसर क्या जाएगा बेटा याद, अब इसमें याद रखिएगा, अगर तुमने सिर्फ इतना ले लिया, अगर तुम इतना ले लोगे 26 ले लोगे तो 26 का स्क्वायर करोगे बेटा कितना होता है, ये 676 होता है बेटा, तो जल्दबाजी में ये मार दोगे जो कि गलत है। इसलिए हमेशा दशमलव के बाद दो दशमलव तक क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। देखो हमने दो दशमलव सॉल्व किया तो बेटा हमारा अप्रोक्सीमेट किया तो 2.7 आ गया, 2.7 का स्क्वायर 729 होता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आपका ये आंसर निकल के चलाएगा 72 के आसपास आएगा, तो बेटा ये आपका हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा छोटी छोटी बातें बेटा इसी को आपको करना है, लेकिन क्वेश्चन में कोई भी आपका बेटा नॉलेज ज्यादा नहीं पूछ रहा है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए बेटा। अगर आपकी स्पीड अच्छी है कर ले जाओगे, स्पीड अच्छी नहीं है बेटा तो उसको सीखना पड़ेगा। 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर, 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े बेटा आज से अपने दीवार पर चिपका लो बेटा, वही काम आएगा बेटा, बाकी इसमें कुछ है नहीं, बाकी इसमें कुछ है नहीं बेटा। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है भैया निम्न में से कौन सा कथन सही है। पता नहीं कितनी बार किए होंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, लेकिन चलो भैया एग्जाम में आया हुआ है तो करना पड़ेगा। कह रहा है भैया विच ऑन द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट बेटा ट्रू है आपका, कौन सा ट्रू है बेटा। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वोल्टेज कैलकुलेशन, भैया क्या पूछ रहा है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर, भैया आराम से मार दो इसको।
तुरंत मारो, आगे बढ़ो, ये नहीं कि हाँ इसमें हमको सिद्ध करना है। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हाँ एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट, भाई हमको पावर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, काम खत्म। तो काम खत्म हो गया तो आगे बढ़ो बेटा, तो बी इज द आंसर, तुरंत आगे बढ़ जाओ। तो बेटा आगे बढ़ गए और ये रहा अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा आपका एलिमेंट है जो कि एक्टिव एलिमेंट है, इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि एक्टिव एलिमेंट है, बेटा ध्यान से, बेटा। तो बेटा यहाँ पे आप लोग बताइए, तब तक हम एक फिगर देते हैं, हमको ही बताइए कि मान लीजिए ये क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक है किसी की, ठीक है बेटा। हम कह दें कि ये किसी भी एलिमेंट का ये कैरेक्टरिस्टिक है, हमको ही बताइए ये जो एलिमेंट है ये आपका एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है। अब आपको अरे सर ये कैसे, अरे बेटा यही तो पढ़ना था बेसिक लेक्चर में, यही तो पढ़ाया जाता बेटा। और 2018 में एक क्वेश्चन इस पे आया होता है, 2018 सीजेई में उसने ग्राफ दे दिया था, उसने बेटा क्या किया था, उसने आपका आईवी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर दिया था और पूछा था कि भैया बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो बेटा जल्दी बताओ कि ये एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है। यहाँ पर जो आंसर होगा बेटा क्या हो जाएगा, करंट सोर्स हो जाएगा। करंट सोर्स क्या होता है आपका, एक्टिव एलिमेंट होता है। चलो भैया ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है किसी एलिमेंट का, वो एलिमेंट एक्टिव होगा कि पैसिव होगा, ये आपको हमेशा दिमाग में बताना बेटा। तो जल्दी से इसका आंसर दे, बेटा। तो बेटा याद रखिएगा, अगर आपका स्लोप, जो होता है बेटा, अगर स्लोप क्या है बेटा, स्लोप जो होता है अगर वो पॉजिटिव होता है, तो एलिमेंट क्या होगा बेटा आपका, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एलिमेंट क्या होगा, पैसिव होगा बेटा। इसको अभी अभी दिमाग में घुसा लो बेटा, घुस जाना चाहिए। तो स्लोप अगर पॉजिटिव हुआ तो एलिमेंट कैसा होगा आपका, पैसिव होगा। अगर स्लोप क्या हो बेटा आपका, स्लोप क्या होता है अगर निगेटिव होता है, तो उस केस में एलिमेंट क्या होगा, एक्टिव होगा। तो बेटा यहाँ पे तुम ध्यान से देखो इसका, देखो हमारा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर आपका ग्राफ क्या है थर्ड में है, तो आपका स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ देखो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे देखो बेटा आपका ग्राफ का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो वो कौन सा एलिमेंट होता है, पैसिव होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पैसिव हो जाएगा। तो ऐसे आपको दिमाग में चीजों को रखना है, ठीक है। तो अगर आपको क्या मान लीजिए ऐसे दिया होता, मान लीजिए ग्राफ ऐसे दिया होता, अब पूछता है भैया ये बताइए एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, स्लोप क्या है, निगेटिव होता है। देखो याद रखिएगा, सेकंड में और फोर्थ में जो आपका स्लोप होता है वो निगेटिव होता है। देखो ये आपका जो ग्राफ है वो कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। और जब स्लोप निगेटिव होगा तो बेटा ये किसका ग्राफ बन गया, ये आपका एक्टिव एलिमेंट हो गया। ये बेटा क्या हो गया आपका, एक्टिव एलिमेंट हो गया। ये क्या होगा बेटा आपका, एक्टिव एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों को हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब तीसरी बात बेटा जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बेटा मैक्सिमम बच्चों नहीं जानते हैं, मान लीजिए क्या हुआ, हमने एक ऐसा ग्राफ दिया जिसमें क्या है बेटा आपका पॉजिटिव स्लोप भी है और निगेटिव स्लोप भी है। अब इस केस में बताइए ये जो एलिमेंट होगा वो एक्टिव होगा कि पैसिव होगा। अब इसमें बताइए बेटा, क्योंकि ये सारा खेल इसी का था, यही हमको समझाना था, क्योंकि यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो बेटा इसमें बताइए, इसमें स्लोप निगेटिव भी है, इसमें स्लोप पॉजिटिव भी है। इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है। तो इस वाले एलिमेंट को हम क्या कहेंगे बेटा, इस वाले एलिमेंट को हम एक्टिव कहेंगे कि पैसिव कहेंगे, या दोनों में से कोई नहीं, एक्टिव कहेंगे या फिर पैसिव कहेंगे, या फिर नन ऑफ दिस, पैसिव कहेंगे या फिर आपका बोथ, या फिर बोथ, या फिर नन, या फिर नन बेटा, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर नन ऑफ दिस। हमने कहा बेटा कि हमारा काम सिर्फ सोल्यूशन देना नहीं बेटा, हमारा काम आपको चीजों को सिलेक्शन दिलाना भी बेटा। तो हम ये पूछ रहे हैं कि अगर ग्राफ ऐसे दे दिया बेटा, तो इस ग्राफ में आप क्या कहोगे, या आपका ग्राफ एक्टिव एलिमेंट का है कि पैसिव एलिमेंट का है, कि दोनों का है, कि किसी का भी नहीं है। तो बेटा ये बताइए ये जो ग्राफ होगा वो कौन से एलिमेंट का होगा बेटा। बेटा बायलेटरल नहीं पूछ रहे बेटा, हम सिर्फ एक्टिव पैसिव पूछ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पैसिव के बारे में हमको बताइए कि ये जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा। तो बेटा ध्यान रखिए, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं बेटा, आप बताइए सभी लोग साथ में हो, यस आर यू विथ मी, सभी लोग साथ में बेटा। गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है बेटा साइड में कर लो, बॉयफ्रेंड का साइड में कर लो, सिलेक्शन लेना है बेटा आ जाओ। तो बेटा याद रखिएगा, यहाँ पे जब भी क्या हो आपका स्लोप निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो, तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि उस केस में प्रिफरेंस किसको देते हैं, प्रिफरेंस हमेशा एक्टिव को देते हैं। अगर आपका पॉजिटिव स्लोप भी है, निगेटिव स्लोप भी है, तो हमेशा प्रिफरेंस किसको दोगे, एक्टिव को बेटा। तो ये एलिमेंट कैसा हो गया, एक्टिव हो गया। आपका पूरा का पूरा मान लीजिए हमने ग्राफ बनाया,
हमने कहा कि पूरा का पूरा स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, पूरा स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ पे छोटा सा बना दिया हमने, छोटा सा यहाँ बना दिया, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमारा क्या हुआ, स्लोप निगेटिव हो गया। तो बेटा ये आपका जो ग्राफ है वो एक्टिव एलिमेंट का ही होगा। तो कहीं पे भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए आपकी 100 पोजीशन है, आपकी 100 पोजीशन है, 100 पॉइंट्स है, 100 पॉइंट में से 99 पॉइंट्स पे आपका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अगर एक पॉइंट पे भी स्लोप निगेटिव आ गया तो उस पूरे एलिमेंट को हम एक्टिव एलिमेंट ही बोलेंगे। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है और दोबारा पूछेगा, तो गलती नहीं करना, ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है भैया, हो गया। अब यहां पे हमको ये चीज याद रखिएगा कि हमेशा अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे स्लोप निगेटिव हो गया तो हमारा वो एलिमेंट कैसा होगा, आपका एक्टिव होगा। देखो यहाँ पे हमारा पूरा पूरा स्लोप पॉजिटिव है, एक पॉइंट पे निगेटिव हो गया तो ये बेटा किसका, ये एलिमेंट कैसा हो गया, ये आपका एक्टिव एलिमेंट है बेटा। ये कैसा एलिमेंट है, ये आपका एक्टिव एलिमेंट है बेटा, ओके। अब दूसरी बात बेटा, दूसरी बात हमको ये बताइए, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ आपका लीनियर का है, लीनियर एलिमेंट का है, ये ग्राफ लीनियर एलिमेंट का है कि नॉन लीनियर है, ये ग्राफ लीनियर है कि नॉन लीनियर ग्राफ है। तो बेटा इसको ध्यान से बताइए बेटा, ये ग्राफ जो है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो लीनियर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नॉन लीनियर को। देखो बेटा ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, हम एक चीज मिटा चुके हैं, ये ग्राफ जो है इसको ध्यान से देखिएगा और बताइए ये जो ग्राफ है वो लीनियर एलिमेंट का है कि नॉन लीनियर एलिमेंट का है। इस ग्राफ को ध्यान से देख के बताइए बेटा, ध्यान से मतलब कि ध्यान से, मतलब मैं फिर से ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। हम ये कह रहे हैं बेटा एक ग्राफ है ऐसे, ये ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ है, ये आप ग्राफ है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने कहा बेटा ये ग्राफ दिया हुआ है, हमको बताइए ये जो एलिमेंट है वो आपका लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ये आपका जो एलिमेंट है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर। बेटा ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए बेटा साथ साथ में ये बताते हुए समझाते हुए चल रहे, ठीक है बेटा। तो ये लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा, ये जो आपका एलिमेंट होगा वो लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा। बेटा ध्यान से प्यार से बेटा, अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जाओगे, अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जाओ बेटा तो मैथमेटिक्स में क्या होगा, इसको तुम लोग कहोगे लीनियर, लेकिन इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल में बेटा ये लीनियर नहीं है। लीनियर की परिभाषा क्या होती है सर, लीनियर मतलब ये होता है जो आपका, जो आपकी, जो आपका ग्राफ है, जो ग्राफ बेटा वो ग्राफ क्या होना चाहिए बेटा, आपका हर जगह, हर टाइम पे आपका सेम इक्वेशन ऑफ लाइन फॉलो करना चाहिए, सेम इक्वेशन ऑफ लाइन को फॉलो करना चाहिए बेटा, और वो जीरो से पास होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये देखो, हर जगह आपका कह रहा है पॉजिटिव साइड में, हर जगह बेटा क्या कर रहा है, सेम लाइन की इक्वेशन फॉलो कर रहा है, जीरो से पास भी कर रहा है, लेकिन हम जब पीछे आते हैं, पीछे आते बेटा तो पीछे आ रहे हैं तो पीछे कुछ है ही नहीं, पीछे कुछ है ही नहीं बेटा, तो पीछे कुछ है ही नहीं बेटा, इसलिए ये एलिमेंट कैसा हो गया, नॉन लीनियर एलिमेंट हो गया। कैसा बेटा, ये नॉन लीनियर एलिमेंट हो गया, क्यों बेटा, क्योंकि ये जो आपका एलिमेंट है वो हर समय में सेम लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। देखो आप जीरो से पीछे आओगे, जीरो से पीछे कुछ है ही नहीं, जीरो से पीछे डिफाइन ही नहीं है, तो बेटा आपका जो, आपका सिस्टम, आपका जो मटेरियल है, आपका जो एलिमेंट है वो लीनियर तभी होगा जब बेटा वो क्या हो, हर जगह डिफाइन हो, हर जगह वो डिफाइन होना चाहिए बेटा, और उसको हर जगह एक ही इक्वेशन ऑफ लाइन को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो लीनियर कहलाएगा। तो बेटा अगर इसको तुमको लीनियर बनाना है, इसको कैसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो अगर ये ग्राफ होगा बेटा, अगर ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, तब हम कहेंगे बेटा क्या है, ये लीनियर है, जीरो से पास भी कर रहा है और हर जगह सेम स्टेट ऑफ लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है बेटा, तो ये लीनियर हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये लीनियर है, लेकिन अगर बेटा क्या हुआ, अगर क्या हुआ, हम इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन लीनियर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें बेटा, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है, दोबारा आएगा, तो बेटा गलती से भी गलती नहीं करना बेटा। ये छोटी छोटी बातें हैं और बेटा बातें मजेदार है बेटा। हम फिर से कह रहे बेटा कि किसी भी क्वेश्चन को याद रखिएगा, दोबारा से पलटने का मौका नहीं मिलेगा एग्जाम में। मैं फिर से कह रहा बेटा कि प्यार में होता है कि हाँ, अगर वो मुझसे प्यार करती है तो पलटेगी, पलट पलट पलट, लेकिन बेटा अगर तीन बार तुमने दोबारा से पीछे वाले क्वेश्चन देख लिए एसएससी एग्जाम में, सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज बेटा स्पीड मैटर करता है। 150 नंबर लाने हैं बेटा, तो 150 लाने हैं, तो बेटा तुमने अगर दोबारा से पलटा तो बेटा फिर कहाँ पूरा कर पाओगे। 200 क्वेश्चन, 120 मिनट एक क्वेश्चन करने के लिए 40 सेकंड, तो बेटा समझ लो कि हाँ, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं बेटा। हाँ बेटा चंद्रशेखर सब कुछ बताएंगे, लेकिन ध्यान से बेटा, बहुत ही प्यार से जो चीज़ें बता रहे हैं उसको सीखते हुए चलो बेटा। ना ही तो एक दिन में प्यार होता है, और ना ही एक दिन में पढ़ाई होती है, और ना ही एक दिन में बेटा क्या होता है, सब कुछ बताया जाता है बेटा, धीरे धीरे सब बताएंगे, बस बने रहिए, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर दे बेटा। कह रहा है क्लोज पाथ मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल ब्रांचेस, सेवरल ब्रांचेस को मिला के हमने एक क्लोज पाथ बनाया बेटा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो याद रखिए बेटा क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं लूप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको, हम लोग लूप कहते हैं। अब बेटा याद रखिएगा, एक होता है मैश और एक होता है लूप बेटा। बेटा याद रखिएगा,
याद रखिए बेटा, हर मैश क्या होता है, लूप होता है। हर मैश क्या होता है बेटा आपका, हर मैश जो होता है वो लूप होता है, लेकिन हर लूप आपका मैश नहीं होता है, हर लूप मैश नहीं होता। ठीक बेटा, तो ये छोटी सी बात याद रखिएगा बेटा। देखो लूप क्या होता है आपका, क्लोज पाथ। अब क्लोज पाथ कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है आपका, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, क्लोज पाथ हो गया। ठीक है बेटा, ये क्लोज पाथ हो गया। लेकिन बेटा आपके मैश में क्या होता है कि सिर्फ एक ही क्लोज पाथ होगा और उसके अंदर कोई भी दूसरा आपका अदर लूप नहीं होना चाहिए। तो बेटा यहां पर देखिए, आपका लूप के अंदर लूप है, तो ये लूप तो है लेकिन ये मैश नहीं है बेटा। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि हर मैश क्या होता है, लूप होता है, लेकिन हर लूप आपका मैश नहीं होता है। ये आपका एमसीक्यू आ चुका है बेटा, दोबारा से इसको दिमाग में रखिएगा और गलती नहीं करिएगा बेटा। ओके, चलिए यहां पर आंसर क्या होगा, लूप। और बेटा आगे बढ़ते हैं और बहुत ही प्यार से क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको ये बताइए कि जो आपका ओम्स लॉ, बेटा इसको पढ़ने में समझ आता है, देखो एग्जाम में क्या होगा, इसको पढ़ने में ही कम से कम आपका 10 से 15 सेकंड चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि पढ़ते ही समय तुरंत आंसर मार दो। क्या कह रहा है, ओम्स लॉ तुरंत यहां पर लिख दो, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इनटू R। अच्छा भैया ठीक है, I इनटू R हो गया। अब कह रहा भैया वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू करंट, नहीं भैया वोल्टेज करंट के कभी क्या होगा भैया, आर जैसे वेरी वेरी करेगा वैसे यहाँ पे वेरी करेगा ये भी। तो वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, अच्छा भैया ठीक है। उसके बाद करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, अच्छा भैया करंट डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज, भैया गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। जो करंट है वो बेटा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के। देखो बेटा यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा बेटा ना, यहां दिख रहा है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के। तो बेटा सी इज द करेक्ट आंसर बेटा, जो आपकी विद्युत है धारा जो है वो वोल्टेज के सीधे अनुपातित है। तो तुरंत इसको आंसर मारा और तुरंत बिना देखे बेटा आगे बढ़ गए, समय नहीं है बेटा, आराम से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, देखने में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन बेटा करे ना कि देखन में सिंपल लागे लेकिन घाव करे गंभीर। तो बेटा ये घाव गंभीर करेगा, जल्दबाजी में ये सारा घाव गंभीर कर देगा बेटा। देखो कह रहा है यहाँ पे जो ये आई फाइव होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आई फाइव। यहाँ दिया हुआ है आई फाइव, यहाँ कुछ दिया हुआ बेटा ये आई वन आई टू, ऐसे जो भी दिया है, फोर दिया, टू दिया, फाइव दिया, ये टू दिया है, ये फोर दिया, थ्री दिया। कह रहा है आई फाइव कितना होगा, यहाँ पे आई फाइव की वैल्यू कितनी हो बेटा, यहाँ पे जो आई फाइव होगा उसकी वैल्यू पूछ रहा कितना होगा। ठीक है, जो आई फाइव है इसकी वैल्यू पूछ रहा बेटा, ध्यान से बताइएगा, बहुत ही प्यार से बताइएगा बेटा और आराम से बेटा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा, गलतियां नहीं होंगी, लेकिन 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 गलतियां हुई हैं जो कि बेटा आप लोग कर रहे हैं बेटा, और कुछ बच्चों ने गलतियों को पहचान लिया है और उन्होंने अपना सिलेक्शन बचा लिया बेटा, सिलेक्शन बचा लिया बेटा, मतलब कि एक साल को आगे जाने से बचा लिया। यही हमको दिखाना बेटा कि यहाँ पे छोटी सी गलती सारा खेल बिगाड़ेगा बेटा, और वही गलती आप लोग कर रहे हो यहाँ पे। देखो कैसे गलती कर रहे हो, देखो हम जान रहे हैं ये चार है, ये दो है, ये छह, ये पांच है, तो चार प्लस दो छह, छह पांच ग्यारह, यहां से ग्यारह आ रहा है तो ग्यारह में से दो इसमें चला गया, तो दो इसमें चला गया, इसमें कितना चला जाएगा, नौ चला जाएगा। दोनों देखा नौ टिक मारते, लेकिन बेटा यहीं पर तो गड़बड़ी है, गड़बड़ी यहीं है बेटा, इसको कहीं भूल रहे हो। ये अगर यहाँ कुछ नहीं दिखाया है तो इसका मतलब थोड़ा ना कि यहाँ से करंट नहीं जा रहा बेटा, यहाँ से करंटवा जाएगा तभी ना यहाँ जाके बट रहा है, यहाँ बीच में से करंट जा रहा होगा तभी ना यहाँ पे जाके बट रहा है भैया, यहाँ पे अपने आप थोड़ा ना आ जाएगा करंट, तो यहाँ पे करंट आया है कहीं ना कहीं से, तो यहीं से आ रहा होगा। तो ये देखो ये चार है, तीन है, मतलब कि यहाँ पे करंट कितना होगा, यहाँ पे जो करंट होगा वो कितना होगा बेटा, सात होगा। तो सात है तो भी करंट कहाँ से आ रहा बेटा, यहीं से ना आ रहा है, इधर से करंट आ रही है बेटा, जो पानी का बहाव है इधर ही से आ रहा है बेटा, उल्टी गंगा थोड़ी ना बहाएंगे हम लोग। अरे भैया उल्टी गंगा पिक्चर में बहती है, ये बेटा उल्टी गंगा नहीं बेटा, गंगा का बहाव इधर से इधर आ रहा है, तो भैया इधर से ये जो करंटवा आया है वो कहाँ से आया होगा, इधर से आ रहा होगा। तो चार प्लस तीन ये सात, इधर सात इसमें है बेटा, सात इसमें है, तो सात प्लस दो नौ, और नौ ये ग्यारह है, तो इसमें कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो बेटा दो इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन वहां आएंगे तो लगेगा कि हाँ यार बड़ा हम सही करके आए हैं, लेकिन बेटा फिर हो जाएगा गलती। तो बोलो भैया बात समझ आए कि नहीं, बात समझ में आए कि बेटा, ये बात ये समझ में आए कि नहीं। तो यही सारी बेटा जो गलतियां आप लोग करते हो वो सारी गलतियां यहां पे कर लो, ताकि बेटा एग्जाम में बेटा आराम से सिलेक्शन लो, काम आगे बढ़ाओ बेटा। फिर से करो बेटा, इस एसएससी जेई के डर को दिमाग में मत बैठने देना, लोग बैठाएंगे डर कि हाँ हमसे नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, फलाने हमसे नहीं पढ़ा। बट अगर दुनिया में जब कोचिंग नहीं था तब भी सिलेक्शन होता था भैया, एपीजे अब्दुल कलाम के समय में आपका कोचिंग नहीं था, चलो भैया वो तो बहुत बड़ी हस्ती हो गए, उतना हमको जाना भी नहीं है, हमको भैया एक तो छोटा सा एग्जाम निकालना है। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है भैया, हाँ कोचिंग है ठीक है, एक थोड़ा सा वो आपको हेल्प करेगा, लेकिन ये नहीं कि हाँ पूरा हेल्प उसी से लो बेटा, खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो बेटा, खुद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप ही को एग्जाम देने जाना है बेटा। ओके, तो आई होप बेटा बात ये समझ में आ गई होगी। ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी बातें बेटा, गंगा का बहाव इधर से इधर है तो बेटा दोबारा रिवर्स गंगा मत बहा दो, तो ये यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन बेटा इसमें करंट होगा, होगा कहाँ से आएगा बेटा, ये चार प्लस तीन सात हो गया, सात प्लस दो नौ, नौ दो ग्यारह, तो भैया नौ दो ग्यारह मत होना, ये आंसर हो गया दो। आई होप बेटा बातें समझ में आ रही होंगी, छोटी छोटी बातें हैं, जल्दबाजी बेटा एग्जाम में क्या होती है, इतनी ज्यादा हड़बड़ी होती है कि जल्दबाजी में ऐसा होता है, तो वही गलती आप लोग ना करो, इसलिए बेटा ये सब चीजें हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा अगला क्वेश्चन,
अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया हमको ये बताइए दिए गए परिपथ में टर्मिनल एक्स एंड वाई के पार थेवेनिन का प्रतिरोध निर्धारित करें। यहां से पूछ रहा है कि थेवेनिन वोल्टेज कितना होगा, यहां से पूछ रहा है बेटा आपसे कि आपका थेवेनिन जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा भैया, तो ध्यान से बताइए बेटा थेवेनिन वोल्टेज कितना होगा। कह रहा है एक्स वाई पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो थेवेनिन वोल्टेज होगा वो कितना होगा, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन बेटा। देखो यहां से देखोगे तो बेटा ये क्या हो गया आपका, जब यहां से निकालोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ठीक है बेटा, ये दोनों शॉर्ट हो गए। तो बेटा हमको ये बताओ कि ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में बेटा क्या, 8 × 6 = 48 और 8 + 6 = 14। बेटा यहां से सॉल्व कर लो इसको, यहां से सॉल्व कर लोगे आपका आंसर निकल के चला जाएगा बेटा। तो यहां से देख लो बेटा और उसके बाद आंसर बता बेटा, ठीक है ना। तो आइयो बेटा ये सब क्वेश्चन को आराम से करोगे और आंसर बेटा आपका आ जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से बेटा। ये 8 × 6 = 48 बेटा, ठीक है ना, 8 × 6 = 48 है। अब बेटा क्या हो गया, 14 हो गया बेटा, ठीक क्या हो गया, 14 × 3 = 42 बेटा, आपको 14 × 3 = 42 बेटा क्या होगा, 3.43 हो गया। तो 3 के आसपास समथिंग आएगा, तो आंसर सी मारा, आगे बढ़ गए, आगे आंसर मारा और आगे बढ़ गए, आगे आंसर मारा बेटा और आगे बढ़ गए। अब इसी क्वेश्चन में मान लो बेटा, इसी क्वेश्चन में अगर हम क्या करें कि छोटा सा खेल खेलें बेटा, खेल खेलना ही पड़ेगा क्योंकि बेटा सिलेक्शन चाहिए, तो थोड़ा बहुत बातें बतानी पड़ेगी। अगर इसी में हम थोड़ा सा खेल खेलें और खेल बेटा ये है कि हमने यहाँ पर क्या लगा बेटा, यहाँ पर लगा दिया करंट सोर्स, यहाँ पर लगा दिया बेटा करंट सोर्स 2 एम्पियर का। तो इस केस में अब बताइए, अब इस केस में आपका आंसर कितना आएगा, अब इस केस में जो एक्स वाई है इसके अक्रॉस आर कितना आएगा, इसके अक्रॉस अब आर जो होगा वो कितना आएगा। बहुत ही प्यार से बेटा, बहुत ही प्यार से आराम से बताइए, दिए गए छोटी छोटी बातें हैं, सीखते हुए चलोगे, गलतियां नहीं करोगे बेटा, और यही आपको करना बेटा, ठीक है ना। आई होप बेटा बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। अच्छा मान लो बेटा इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम यहाँ पे ऐसे जोड़ दें, यहाँ पे एक यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स जोड़ दें। अब बताइए ठीक बेटा, इसी तरह वो डराता है, इसी तरह से वो आपको डराएगा। हम कहें बेटा हमने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया, अब बताइए एक्स वाई के बीच में क्या होगा आर, आर अब इस केस में क्या होगा, ठीक है। इससे पहले 8 सही था बेटा, अब हम पूछे कि इस केस में बताइए कि अब आपका एक्स वाई के अक्रॉस आपका जो आर होगा वो कितना होगा। तो ऐसे ही एग्जाम में डरा डरा के वो आपसे पैसे हड़पता है, तो बेटा डरना नहीं बेटा, डरना नहीं है। देखो बेटा अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब इस केस में क्या होगा कि जब तुम आर निकालोगे तो बेटा क्या होगा, ये हो जाएंगे भाई साहब ओपन सर्किट, ये हो जाएंगे बेटा क्या शॉर्ट सर्किट, ये हो जाएंगे शॉर्ट सर्किट और ये हो जाएंगे शॉर्ट सर्किट। तो बेटा ये शॉर्ट सर्किट हो गया, जो करंट है वो यहां से निकलेगा, तो ना ही वो इसमें जाएगा और ना ही इसमें जाएगा। क्यों सर, क्योंकि बेटा करंट को मिल गया एक शॉर्ट पाथ, तो करंट ऑलवेज फॉलो द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो सारा का सारा करंट क्या होगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, इसमें चला आएगा, ना ही इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा, 0। बूझे नहीं बूझे जी, नहीं बूझे, बोलो भाई बूझे कि नहीं बूझे, तो बूझो बेटा बूझो, ये सब बूझना पड़ेगा, तभी क्या होगा बेटा जो एग्जाम का आग है वो बूझेगा, तो बूझेगा तो आंसर आएगा बेटा। बोलो भैया बात समझे, चौचक तरीके से समझ रहे बेटा, और ये बतिया समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, बोलते रहो, थोड़ा सा एनर्जी देते रहो बेटा, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, आप ही के लिए हैं, आप ही का प्यार है, आप ही का परिवार है, आप ही का सब कुछ है बेटा, इसलिए पढ़ते रहो, सीखते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। बोलो भैया जय श्री राम। ओके भैया ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिए कि छोटी छोटी गलतियों को नहीं करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं। तो बेटा हमारा काम निकालना बेटा कि हमको सिर्फ सोल्यूशन नहीं देना बेटा, आपको थोड़ा सा आगे लेके चलना है बेटा। और इस क्वेश्चन को देखो बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा भैया हमको बताइए वोल्टेज कितना होगा, हमको बताइए वोल्टेज कितना होगा, हमको बताइए बेटा वोल्टेज कितना होगा, हमको बताइए बेटा वोल्टेज कितना होगा। तो हम ये देखेंगे, कह रहा भैया ए बी के क्रॉस वोल्टेज जो है वो कितना होगा। हम कहेंगे भैया वी क्या होता है, आई इंटू आर होता है, तो हम भैया हमको आई तो दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ है, तो भैया देखो आर यहाँ पे 8 है। अच्छा भैया ठीक है, ये दोनों का देखो ये क्या बेटा, दो दुना के चार भैया, तो दोनों के चार भैया कितना हो गया, 4/3 हो गया, तो 4/3 कितना हो गया, ये 1.33 हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए भाई कितना हो गया, ये आपका आई कितना है 4 है, ये बेटा कितना हो गया आपका 8 + 1.3 कितना हो गया 9.3 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 × 36 और 34 कितना बेटा आपका, ये आपका 37 point something आएगा, 37 point something आएगा बेटा, ठीक है। या फिर इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो बेटा, इसको तुम ऐसे भी कर लो, 4/3 + 8 ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 × 24, 24 × 28 28/3 तो 28/3 आ गया बेटा आपका टोटल आर, तो 28/3 इंटू बेटा क्या आपका 4, बस सॉल्व कर लो, यहाँ सॉल्व करो बेटा कितना आएगा आपको, ये आपका हो जाएगा 4×8 = 32, 32 × 8 और ये 112 का करो बेटा सॉल्व करोगे 3 से, ये क्या आएगा 3×9 बेटा, उसके बाद बेटा सॉल्व करोगे यहाँ से क्या जाएगा आपका 2×3 = 21 तो ये आपका 37 कुछ आएगा बेटा। इसलिए अप्रोक्सीमेट करो और तुरंत आंसर निकाल के आगे बढ़ो, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम देखो आपके अभी क्या लग रहा है,
कम से कम 30 से 40 सेकंड लग जा रहा बेटा, तो इस समय को थोड़ा कम करना, क्योंकि बेटा आगे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे तो उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए जो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो तुरंत छोड़ दो उसको बेटा, हमको पूरा 200 में से 200 नहीं लाना बेटा, हमको लाना है कम से कम बस 150 160 के बीच में रहना है, या 150 60 से 170 चले जाओ ठीक रहेगा, लेकिन हमको 200 में से 200 नहीं लाना बेटा। जो कह रहा है कि हाँ हम तुमको 200 दिला देंगे बेटा, आंख बंद कर दो उससे दूर चले जाओ, कभी भी 200 के लिए मत जाना, मैक्सिमम 160 170 बस इतना आ जाए काम हो जाएगा बेटा, उससे ज्यादा मत सोचिएगा, लालच मत दिखाएगा बेटा, नहीं तो बेटा फंस जाओगे और आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया हमको ये बेटा ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी द वोल्टेज एट नोड, यहां पे कह रहा है कि वोल्टेज कितना होगा, यहां पे कह रहा है कि वोल्टेज कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम आपको बेटा क्या कर सकते हैं, 3 सेकंड या चलो 5 सेकंड, बेटा 5 सेकंड रिफरेंस होता है, हम इस क्वेश्चन को आपको 5 सेकंड में करा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग पहले सॉल्व करो, आप लोग पहले सॉल्व करो और हम देखें कि आप लोग कितने देर में कर रहे हो, उसके बाद हम आपको एक ऐसा तरीके बताएंगे जिससे कि तुम इस क्वेश्चन को 5 सेकंड, मैंने कहा बेटा 5 सेकंड बहुत हो जाएगा, 5 सेकंड भी क्या हो जाएगा बेटा, बहुत हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में कर सकते हो। तो बेटा एक बार करने की कोशिश करिएगा, एक बार करने की कोशिश करिए, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, जल्दी करिए बेटा, आराम से प्यार से ध्यान से। अब देखो बेटा हम क्या कैसे करेंगे, हम कैसे करें बेटा, हम इसको बिना पेन पेंसिल के करना सिखाते हैं। देखो बेटा ये वोल्टेज है, ये आपका रेजिस्टेंस है, क्या तुम इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करो, दिमाग में करना इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन दिमाग में करो, ये बेटा कितना हो जाएगा 2 छक्के, मतलब जो करंट कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है बेटा, और पैरेलल में कितना आ गया 2 आ गया, अच्छा भाई ठीक है, यहाँ बेटा कितना 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ देखो बेटा ये आपका वोल्टेज है, ये आपका बेटा क्या है रेजिस्टेंस है, इसको बेटा सोर्स ट्रांसमिशन करेंगे कितना जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा बेटा कितना जाएगा, यहाँ पे 2 12 जा 12 जा, और यहाँ बेटा कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो ये सारे क्या बेटा पैरेलल में है, तुरंत दिमाग में करना इसको, अब देखो ये बेटा कितना 2 है, अब ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमने क्या बेटा इसको मिटा दिया और यहाँ पे लिख दिया बेटा क्या, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 1। अब ये जो करंट है दोनों देखो बेटा 12 और 6 18 जो है, जब दोनों करंट क्या बेटा ऐड करोगे 18 हो जाएगा, और 18 जो होगा 2 पार्ट में बटेगा कितना होगा 9 और 9 होगा, तुरंत देखा इसको आंसर मार, आगे बढ़कर आंसर कितना आ गया 9 आ गया, ज्यादा हो गया क्या, नहीं बुझ पाए क्या, अब तुम इसमें नोडल लगाओगे, पता है हमको नोडल लगाओगे, इक्वेशन लिखोगे, तुरंत आंसर। अच्छा ये बुझे कि नहीं, ये बुझ पाए, ये जो हम बताए वो बुझे कि नहीं, ये तुम बुझे बेटा जो हम बताए, हम कहे यहां से हमने जब इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ये हो गया 6 पैरेलल में 2 आ गया, यहां सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किए तो ये बेटा कितना आ गया 12 पैरेलल में 2 आ गया, तो 2 और 2 कितना हो गया 1 हो गया, और यहां पहले से 1 दिया हुआ है, तो 12 6 18 18 9 9 हो जाएगा, नहीं बुझे, बुझ गए। तो बेटा हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में बिना पेन पेंसिल के भी करना पड़ेगा, तभी जाके बेटा स्पीड आएगा बेटा, और ये आपको लग रहा है वैसे बहुत जल्दी हो गया, लेकिन बेटा इसी स्पीड को आपको 3-4 महीने में आपको मैं दिलाऊंगा, डोंट वरी, जो हमने स्पीड से किया है ये तो बेटा आपको समझाने के लिए इतना किया, नहीं तो बेटा एग्जाम में इसको देखते ही मारना था आंसर। क्या भैया आंसर मारेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कैसे मारेंगे, इसका आंसर कैसे मारेंगे, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा इसका आंसर कैसे मारेंगे, देखो बेटा ये देखो भैया यहाँ पे हो गया 6, यहाँ हो गया 12 12, दोनों क्या देखो दोनों क्या बेटा ऊपर पॉजिटिव है, दोनों बेटा क्या ऊपर पॉजिटिव है, बेटा क्या जाएगा 12 6 18, और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो 2 और 2 1 हो गया, तो 18 क्या होगा 1 में और 1 में, तो भैया 9 हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है बेटा बुझ गए। अब देखो बेटा अब मान लो इसी क्वेश्चन में हम ये कह दें, इसी क्वेश्चन में बेटा हम ये कह दें कि अगर हमारा क्या हो जाए बेटा, अगर हम ये कह दें आराम से सीखो बेटा, हमने कहा ना कि आपको सिखाने के लिए बेटा यहाँ पे आए हैं और कुछ नहीं, यहाँ हम कह दें कि बेटा ये कितना है आपका, यहाँ पे मान लीजिए हम आपको दे दें बेटा, यहाँ पे हम दे देते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे ले लो बेटा क्या, यहाँ ले लो बेटा कितना आपका, यहाँ 10 वोल्ट ले लो, यहाँ पे 10 वोल्ट ले लो, अब बताओ कितना होगा, अब इसके अंदर करंट कितना होगा बेटा, भूल जाओ बेटा, अब बताइए तुरंत जो हमने बताया उसको देख, बताइए बेटा जो हमने आपको बताया उसको देख के तुरंत बताइए आंसर कितना होगा, देखो बेटा यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 6, अच्छा वहाँ 5, अच्छा ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये तो 6 और 5 11, तो 11 हो जाएगा, तो दोनों बराबर है, इसका आंसर भी 1 आएगा, इसका भी 1 है, तो 11 को आधे आधे पार्ट में बांटो कितना आएगा बेटा आपका 5.5, नहीं बेटा नहीं आएगा, आएगा ना बेटा, तो यही सीखना बेटा हमको, यही सीखना है और यही खेलना है, बस थोड़ा समय दो बेटा, प्रैक्टिस कराओगे और हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे आएगा, आ रहा बेटा, अगर ये बात समझ आ रही बेटा एक बार थम दिखाओ सभी लोग, तो एक बात थम दिखाओ बेटा, हमने कहा ना कि आपको आपको किताबों से दूर लेके जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग आपका बेटा वो सबसे बड़ी किताब है, इसी को हम आपको करना सिखाएंगे, ठीक है बेटा, ठीक है हो जाएगा,
जाएगा बेटा। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें बेटा। अब चलो इसी क्वेश्चन बेटा, इसी क्वेश्चन बेटा मान लो एक चीज और करते हैं बेटा, लास्ट इसमें आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज और करेंगे। मान लीजिए हमने बेटा यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया, हमने इसको बेटा यहाँ पे क्या किया, इसको हमने उल्टा कर दिया बेटा। ये क्या हो गया आपका, ये ऐसे हो गया। ये बेटा कितना हो गया आपका, 24 है। ये 24 है बेटा, ये 24 है और ये ऐसे हो गया। अब तुम खुद देखो बेटा, ये नीचे ये बेटा इसका करंट रिलेशन कितना हो गया, इसका करंट रिलेशन कितना हो गया बेटा, यहाँ पे हो जाएगा। ये कितना बेटा आपका, ये आपका 6 है। देखो आराम से करो, ये बेटा कितना है, 2 है, है ना। ये 2 है बेटा, ये 2 है। यहाँ बेटा कितना था, 1 है ना बेटा, यहाँ पे 1 है। फिर यहाँ बेटा देखो कितना है, यहाँ देखो बेटा कितना, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब तुम तो खुद देखो बेटा, ऊपर 6 जा रहा है, नीचे 12 जा रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस हो जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये 2 और ये 2 पैरेलल में है, ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे। ये बेटा नीचे 6 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। ये बेटा कितना आपका, 1 है, ये आपका 1 है। तो हमको इसी में पूछ रहा है बेटा, तो यहाँ 6 है, तो 6 में से आधा आधा कितना बटेगा बेटा, इसमें कितना जाएगा, 3 जाएगा, तो 3 मार देंगे, ठीक है, मार लो बेटा। तो इसी तरह से एग्जाम में करना बेटा, और बहुत ही प्यार से सीखोगे। देखो आप अपने सामने दे लो, देखो हमने 5 मिनट में कॉन्सेप्ट बताया, और हमने 5 मिनट में उसके बाद 10 सेकंड में आंसर दे रहे बेटा, 10 सेकंड में आंसर दे रहे होगे आप लोग। तो ये बेटा आप लोग की अचीवमेंट है, धीरे धीरे सीखोगे तो धीरे धीरे चीजें आती हैं और हो जाए बेटा। यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा, कहना बचेगा मुकेश, ओके। तो आराम से सीखो, आराम से खेलो बेटा, और बस हमको दे दीजिए 3 महीने, 3 महीने दे दीजिए बेटा। ये 3 महीने आपको ऐसा सिखा देंगे कि बेटा फिर आप कहोगे कि हाँ, और कहीं भी देख लो बेटा, इस तरह से कॉन्सेप्ट हमारे ही कॉपी होते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें होती है, ठीक है। तो आइयो बेटा, ये बात सबको समझाएंगे बेटा, और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम आगे देंगे आपको, वरी मत करिए बेटा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में बेटा, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, क्योंकि बेटा गले में से पानी आवाज नहीं निकल रही है, ठीक है बेटा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। कितना बड़ा, कितना होगा, इसमें कह रहा है, आराम से इस क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए हुए सर्किट में हमारा 3 किलो ओम में जो आपका टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना आपका धारा प्रवाह करेगा, आई कितना होगा, कब भैया, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटे में बहुत ही प्यारा इसने क्वेश्चन बनाया बेटा। हम इसका ऑप्शन नहीं दे रहे आपको, हम इसको बस आपको बड़ा कर दे बेटा, बड़ा कर दे रहे हैं ताकि बेटा आप इसको देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान देखोगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। छोटे में देखो SSC जे कितना अच्छा क्वेश्चन बनाता है, छोटे में देखो बेटा, ये देखो बेटा कह रहा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन की भाषा को समझो, कह रहा भैया ये t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे बंद होगा। तो अभी खुला हुआ है ये, t इज इक्वल टू 5 सेकंड बंद होगा, ये अभी खुला हुआ है, ठीक है ना। अभी क्या बेटा, ये खुला हुआ है, अभी बेटा क्या है, ये खुला हुआ है, ठीक है। और ये कह रहा है कि बेटा ये पहले से बंद है, ये बेटा क्या है आपका, पहले से बंद है, ये t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे खुलेगा, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे खुलेगा बेटा। तो हमसे पूछ किससे रहा है, 2 सेकंड में पूछ रहा है, तो 2 सेकंड पे ये वाला स्विच बंद होगा, तो ये वाला स्विच बंद होगा क्योंकि बेटा t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे खुलेगा, तो 2 सेकंड पे तो ये बंद ही होगा। तो बंद है तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा सर्किट, करंट यहाँ से निकलेगी, यहाँ जाएगी और यहाँ आएगी बेटा, और ऐसे आएगी। तो बेटा यहाँ से करोगे तो 6/3, ये कितना बेटा आपका, 2, और ये क्या जाएगा आपका, मिली एम्पियर। नहीं हो जाएगा बेटा, नहीं हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जल्दी से तुरंत देखा आंसर, मार दिया और आगे बढ़ गए, ठीक है। अब इसी मान लो बेटा, इसी क्वेश्चन में अगर हम कहते हैं, इसी क्वेश्चन में बेटा अगर हम ये कहते हैं कि हमको ये बताओ कि आपका जो करंट होगा वो बेटा बताइए हमको, t इज इक्वल टू 6 सेकंड में आपका जो करंट होगा वो कितना होगा। तो बड़ा ही आराम से देखो बेटा, आप देखो यहाँ पे कि t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे ये भाई साहब खुल जाएंगे, और ये t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे ये बंद हो जाएंगे। तो बेटा अब बताइए करंट कितना होगा। तो हम कह रहे हैं भैया ये जो है t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे बंद हो जाएगा, और ये तो भाई खुल जाएंगे। तो हमसे t इज इक्वल टू 6 सेकंड में पूछ रहा है, तो अब क्या हो जाएगा बेटा, सर्किट ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना जाएगा, ये 12/3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, दैट इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। तो हर तरीके से बेटा अपने को तैयार रखना है, अपने को आगे बढ़ना बेटा। और ये सारे क्वेश्चन आपको बेटा, ये जो आपका क्वेश्चन बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए आराम से देखो क्वेश्चन को, आराम से सोचो और तुरंत आंसर देके बेटा आगे बढ़ो। बस तरीका सीखिए बेटा, तरीका सीखोगे अपने आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। आई होप बेटा ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते, ओके भैया। चलो अब इस क्वेश्चन बेटा, इसमें कह रहा है कि SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमियंस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता कि हाँ परमियंस का भी कुछ यूनिट होता होगा।
तो परमियंस जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है ये पूछ रहा बेटा। तो यहां पे देखो बेटा दिया हुआ है आपको, आपको इसी में से बताना है परमियंस। परमियंस बेटा याद रखिए बेटा, ये परमिटिविटी नहीं है, ना ही ये फ्लक्स है, ना ही बेटा ये क्या है फ्लक्स डेंसिटी। ये बेटा पूछ रहा है परमियंस। तो परमियंस की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्या होती है? बहुत ही प्यार से बताइए बेटा, बहुत ही प्यार से बताइए बेटा, ठीक है ना? ओके बेटा मोहम्मद सिद्दीकी, एक बार इसको बेटा देख लो, इसको एक बार देख लो बेटा, इसको एक बार देख लो बेटा, ठीक है ना? इसको अभी देख लो बेटा मोहम्मद सिद्दीकी, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको देख लूंगा, डोंट वरी। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बेटा मैसेज रखिएगा। जो परमियंस की यूनिट होती है वो आपकी इंडक्टेंस की यूनिट के बराबर होती है। जो परमियंस हो गया या फिर इंडक्टेंस हो गया, दोनों की यूनिट क्या बराबर होती है? दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटा? हेनरी। हेनरी इज द राइट आंसर बेटा, हेनरी इज द राइट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते तो छोटी छोटी बातें बेटा इसके रखो। अब देखो एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि भैया इसमें से कौन सा जो रिलेशन है, निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय प्रतिष्ठभ का सही व्यंजक है, कौन सा रिलेशन इसमें से सही है, कौन सा रिलेशन बेटा इसमें से सही है, ये पूछ रहा बेटा। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ बेटा, इसमें से कौन सा रिलेशन आपका सही है, वो आपको बेटा जवाब देना है। और ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और बस इसमें जल्दी थोड़ा सा ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि बेटा इसमें होती है गलतियां, और जब इसमें गलतियां होती हैं तो बेटा बहुत कम बच्चे इसका आंसर देते हैं बेटा। लेकिन है क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन बेटा कुछ नहीं है, बस आपको मैं एक हिंट देता हूं बेटा, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट को आप क्या करो बेटा, मैच कराओ। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं बेटा एनालॉगी, भैया दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हाँ भैया यहाँ पे जो वोल्टेज होता है, यहाँ पे यहां बोलते हैं EMF, यहां बोलते हैं MMF, यहां बोलते हैं कुछ, यहां बोलते हैं कुछ, तो वही कुछ कुछ करके आपको सब कुछ निकालना बेटा। तो देखो यहां पे हमको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V is equal to I into R होता है भैया। अब देखो ये तो किसमें होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है। तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या बेटा, मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, मैग्नेटिक सर्किट में तो बेटा देखो ये वोल्टेज है, ये बेटा क्या आपका EMF, इसको हम क्या बोलते हैं, चलो इसको हम ऐसे लिखते हैं, वोल्टेज ना लिख के हमने क्या लिखा बेटा, इसको हमने इसको लिखा EMF, क्या लिखा बेटा इसको हमने, इसको हमने लिखा EMF, ठीक है। तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिकल में EMF होता है तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है बेटा आपका, मैग्नेटिक सर्किट में होता है MMF, क्या होता है बेटा यहां पे MMF, जो कि EMF के बराबर होता है। अब देखो बेटा यहां पे रेजिस्टेंस है, तो यहां बेटा क्या आएगा आपका, रिलक्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस का आपका एनालॉगी क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। यहां करंट है, यहां पे करंट प्रवाह करता है, यहां क्या करता है आपका फ्लक्स प्रवाह करता है। तो ये बेटा हो गया आपका फिगर, तो ये बेटा MF क्या हो गया, ये हो गया F हो गया, ये बेटा क्या आपका फाइव हो गया, ये S हो गया। तो यहां से हम देखें तो बेटा हमारा जो यहां से आपका रिलेशन निकलेगा रिलक्टेंस का, रिलक्टेंस S का, वो रिलेशन क्या निकलेगा बेटा, वो निकल जाएगा S इज इक्वल टू MMF, MMF, MMF बाय 5 हो जाएगा बेटा। तो यहां से देखो बेटा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बात अच्छी है। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो मैच करना बेटा आपको, अगर भूल चुके हो, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैच करो। अच्छा यहाँ EMF जो होता है वो MMF के बराबर होता है, हमको ओम्स लॉ तो याद होता है, हमको तो भैया ओम्स लॉ याद है, क्या होता है V इक्वल टू I इनटू R होता है। तो वो चीज हमको यहाँ भी हमको वही करना है, MMF मतलब यहाँ पे EMF है, यहाँ MMF हो जाएगा, वहां पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ रिलक्टेंस हो जाएगा, तो फाइव क्या हो जाएगा, करंट के बराबर हो जाएगा। बस मार दिए, आगे बढ़ गए, ठीक है बेटा। चलिए तो ये बात समझाएगा, हाँ बेटा ये प्रीवियस ईयर के, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं 2018, और कुछ क्वेश्चन 2020 के हैं, इसमें मिक्स किए हमने ताकि बेटा आप लोग लेवल समझ सको कि हाँ आपके SSC JEE का लेवल क्या है बेटा। ये आपका SSC JEE 2018 का इवनिंग शिफ्ट, इवनिंग शाम वाला जो शिफ्ट है उसके सारे ये क्वेश्चन बेटा, इसलिए क्वेश्चन को आराम से सीखो, आराम से खेलो बेटा, और आराम से हर कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है बेटा। ओके आगे बढ़ते, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया हमको ये बताओ कि एक क्या है भैया आपका, इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि आपका जो MMF बेटा यहाँ पे, ये देखो हमारा मजनू भाई है वो थोड़ा गलती करता है, MMF क्या होता है बेटा इसका यूनिट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न्स, ठीक है बेटा। MMF जो होता है वो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, इफ 60 क्या लिखा यार ये, इफ बाद में कर, यदि 60 टर्न, यहाँ पर टर्न है बेटा, ये क्या आपका टर्न है, ये बेटा क्या है आपका 60 टर्न है, ये आपका 60 टर्न है बेटा, 60 टर्न है बेटा, ये 60 टर्न है, और दिया बेटा क्या आपको करंट दिया हुआ है आपका 0.5 एम्पीयर। तो बेटा इसमें आंसर कितना बेटा, इसमें आंसर बताइए, डिटरमाइन द एमएमएफ, एमएमएफ कितना बेटा, तो एमएमएफ बेटा क्या होता है बेटा, एमएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ये बेटा क्या होता है, ये होता है फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस होता है, और इसको बेटा हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट कहते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना बेटा आपका 60 दिया हुआ है, करंट कितना दिया बेटा आपका 0.5 दिया हुआ है, बेटा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना बेटा आपका 30 हो जाएगा, तो आंसर बेटा एमएमएफ कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल से कर लेंगे इसको, और इसमें ज्यादा समय नहीं देना बेटा। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने गणतंत्र दिवस पे पहुंचते बेटा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि भैया बताइए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, बेटा देखो
ये कहते हैं ना बेटा, जो मजनू होते हैं सब, मजनू जो बन जाते हैं बेटा, उनका उनका जो उनका जो उनका जो उनका जो रिजल्ट होता है ना बेटा, वो मजनू भाई की तरह आएगा। देखा ना वेलकम मूवी, देखा ना बेटा, तो मजनू भाई की तरह उनका सिलसिला होगा। इसको हम कहते हैं कि टाइपिस्ट टाइपिंग ठीक से क्या करो, लेकिन टाइप में देखो वहाँ क्लोज की जगह डोज लिख दिया, तो ऐसे होता है। तो ये जो प्यार मैंने पढ़े हैं मजनू भाई हमारे, इनको सिखाएंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है, पहले आप लोगों को सिखा ले, ठीक है बेटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्लोज सर्फेस है, ठीक है। अब तुम खुद बताइए बेटा, आप खुद बताओ बेटा, यहाँ पे करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, यहाँ करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा। अब तुम देखो बेटा, इसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा, ये करंट क्या होगा, आई यहाँ पे होगा, वही आई यहाँ पे भी होगा, वही आई यहाँ पे भी होगा, और वही आई यहाँ पे भी होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो, इसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा, अंदर होगा क्रॉस। इसकी वजह से देखो बेटा, इसकी वजह क्या होगा, इसकी वजह से देखो बेटा, इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा आपका, अंदर होगा। तो बेटा ये क्रॉस हो गया, ठीक है। यहाँ बेटा क्या होगा आपका, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो करंट क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए नीचे, तो यहाँ पे देखो बेटा क्या है, यहाँ पे क्या जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से देखो बेटा, इसकी वजह से निकाल लो, यहाँ देख लो, और आपको बताना बेटा कि जो क्लोज सर्फेस है उसमें आपका टोटल जो निकल के आएगा बेटा, जो फ्लक्स आएगा वो बेटा कितना आएगा, दैट विल इक्वल टू जीरो, दैट विल बी इक्वल टू जीरो बेटा। तो ये छोटी छोटी बातें बेटा, इसको ये हम लोग ट्वेल्थ में पढ़ते थे, आपको बेटा इसको बस याद रखना है कि ऐसी गलतियां यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसमें गलतियां ना होने पर बेटा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन आपको समय नहीं देना है। इसमें कह रहा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसका बेटा कह रहा है कि भैया बताइए, इफ करंट चेंजेस फ्रॉम प्लस 2 एम्पीयर टू माइनस 2 एम्पीयर, अच्छा भैया ठीक है, कितना टाइम में बेटा, 0.5 सेकंड में, तो कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। मतलब देखो बेटा, आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी होता है। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं फाइव को, हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, फाई को हम लोग लिख सकते हैं एल इंटू आई, या फिर हम लोग लिख सकते हैं बेटा क्या, एम इंटू आई। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल पूछ रहा है, तो हम एल की जगह क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। तो बढ़िया क्या जाएगा आपका यहाँ पे, डी डी टी ऑफ एम इंटू आई। बेटा यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा एम बाहर आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बाहर आ जाएगा, ये क्या जाएगा बेटा, डी डी टी ऑफ आई। तो बेटा यहाँ पे देखोगे तो जो करंट में चेंज कितना आ रहा है बेटा, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एम इज इक्वल टू चेंज इन करंट बाय चेंज इन टाइम। और भैया ईएमएफ यहाँ पे दिया हुआ, ईएमएफ कितना दिया बेटा, देखो ईएमएफ दिया बेटा कितना आपको, ईएमएफ पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है ईएमएफ, तो ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कैसे करेंगे, एम दिया हुआ है 0.5, चेंज इन करंट बेटा, करंट में कितना चेंज हुआ, पहले प्लस टू था, फिर बेटा कितना हो गया आपका, फिर बेटा कितना हो गया वो आपका माइनस टू हो गया बेटा। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ से यहाँ चेंज हुआ बेटा कितना हो गया, 4 का चेंज हुआ, 4 एम्पियर का चेंज हुआ, तो 4 लिख दिया। और नीचे बेटा देखो आपका टी कितना है, टी दिया हुआ है आपको 0.5 सेकंड, तो 0.5 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये और ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा, तो आंसर बेटा 4 हो जाएगा यहाँ पे, आंसर विल बी योर 4। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, E इज इक्वल टू होता है आपका L di by dt भी होता है बेटा, और ये भी बेटा आपका क्या होता है, ये आपका सेल्फ के लिए होता है, और आपका म्यूचुअल के लिए क्या हो जाएगा, एम di by dt। और यहाँ बेटा याद रखिएगा, माइनस साइन हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बेटा हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं सिर्फ, और यहाँ पे हम लोग ने आंसर लिख दिया है। आई होप बेटा ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी बेटा। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और खूब सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करना बेटा, अच्छे से करना बेटा। और बेटा देखिए, हमारा मेन काम ये होता है बेटा साथ साथ पढ़ाने के, कि आपको 2 घंटे बैठाना सिखाएं बेटा। हम चाहते तो बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आते, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कराते, हो जाता बेटा, लेकिन हमको आपको बैठाना है बेटा, क्योंकि एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा, 1 घंटे का नहीं होगा बेटा। 2 घंटे आपको बैठाएंगे बेटा, बैठना सीख गए तो सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है भैया। तो याद रखिए कि हमारा कभी भी कोई सेशन होता है वो 2 घंटे से कम नहीं होता है, इसलिए क्योंकि बेटा अगर हम आपको आपको बैठाना है, अगर तुम बैठना सीख गए बेटा तो सिलेक्शन हो ले जाओगे। तो यहाँ पे बैठो बेटा, बैठना सीखो बेटा, पढ़ाई लिखाई हो जाती है, ठीक है भैया। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनाइड इफ द सोलेनाइड हैज 20 टर्न्स एंड कैरिंग इतना लेंथ। देखो बेटा, सोलेनाइड में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, क्या होता है आपका, म्यू नॉट एन इंटू आई बेटा, और ये स्मॉल एन क्या होता है, ये स्मॉल एन होता है बेटा आपका क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है बेटा, ये करंट दिया हुआ है। तो आराम से बेटा, देखो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ बेटा, इसे पहले वैल्यू याद रखिए, एग्जाम में ये आपको वहां देगा नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स कितना बेटा, देखो नंबर ऑफ टर्न्स 200 कर दिया बेटा इसको। उसके बाद बेटा लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है बेटा कितना आपको, ये दिया 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻², ठीक है बेटा। और उसके बाद आपको करंट दिया हुआ क्या, करंट दिया हुआ बेटा, करंट दिया बेटा क्या, करंट दिया है 4 एम्पियर, तो 4 कर दो बेटा, बस काम करता। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है बेटा, देखो 2 से 2 करके पहले, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है बेटा, ये क्या आपका 5 जीरो हो जाएगा, 5 जीरो यहाँ से कटो बेटा, ये कितना जाएगा, देखिए ये कितना जाएगा 4π
बटा में फोर, तो ये फोर से फोर कट जाएगा बेटा, और इसके बाद यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर निकल के चलेगा। ठीक है, तो आई हो बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से करोगे और बहुत ही प्यार से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, देखो इसको कैसे करोगे, इसको यहाँ से कैसे करोगे बेटा, देखो यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे ये आपका आई है बेटा, ये देखो फोर हो गया। ठीक है, फोर हो गया, अब देखो फोर फोर 16 हो गया, 16 इंटू बेटा क्या करना 3.14 कर देना, 3.14, और बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपको बेटा कितना आएगा आपका आंसर, देखिए 16 3 48 है बेटा, तो इसका आंसर जाएगा बेटा वो अप्रॉक्स कितना आएगा बेटा, ये आप लोग यहाँ पे देखिए 4 5 6 जो भी बेटा आपका उसी के अराउंड आपका आंसर आएगा बेटा। और ध्यान रखिएगा कि छोटी सी यहाँ पे गलती मत करिएगा, यहाँ पे देखो 10^-7 है, यहाँ देखो बेटा आपका 200 टन्स है, 20 × 10^-2 कर देना बेटा, उसके बाद यहाँ पे आपका करंट कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आएगा बेटा, पाई की वैल्यू कितना रखें बेटा 3.14 कर देना और आपको बेटा आंसर निकल के चलाएगा। ठीक है, तो आई होप बेटा ये बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे मेन मोटिव क्या था बेटा, ये B=μ0 ni का आपको रिलेशन याद रहना चाहिए बेटा। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है बेटा, इसको याद रखिएगा। और इसी बेटा क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में ही आया हुआ, ठीक है ना बेटा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और दिमाग से करने वाला क्वेश्चन है। तो बड़ा इसमें आंसर बताइए, बहुत ही प्यार से पूछ रहा है कि भाई हमको बताइए कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा जब आपका वोल्टेज कितना है 120 sin 11t - 20 है, तो यहाँ पे आपको t = 10 सेकंड पे आपका जो बेटा यहाँ पे वोल्टेज होगा वो कितना होगा बेटा, t = 10 सेकंड पे वोल्टेज कितना होगा। आप क्या करो, t = 10 यहां पुट करो बेटा, हमारा इक्वेशन क्या है 120 sin 11t है, t हम कहां पूछ रहे बेटा 10 सेकंड में पूछ रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो -20। अब देखो यहां पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 110 - 20 कितना होता है बेटा 90 होता है, तो 120 sin 90, और sin 90 वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी 1 होती है, तो आंसर कितना आ गया आपका t = 10 सेकंड पे आपका जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा बेटा आपका 120 होगा। तो वो आपको डराएगा, वो आपको ऐसे क्वेश्चन देख के डराएगा कि यार आप डरना शुरू करो यार कैसे होगा कैसे, अरे आराम से वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में मान लीजिए बेटा हम क्या करें, इसी क्वेश्चन में हमने क्या किया बेटा, यहां से हमने इस साइन को यहां से मिटाया बेटा, और यहां पर क्या लिख दिया बेटा, यहां पर हमने लिख दिया कॉस, क्या लिख दिया बेटा यहां पर हमने कॉस, तो यहां कॉस लिख दिया। अब बताइए आंसर कितना होगा, सेम सब कुछ सेम है, अब हम पूछे कि भैया यहां पर आंसर कितना होगा, यहां पे आंसर कितना है बेटा, आराम से देखोगे तो भैया हम क्या करेंगे t = 10 पुट करेंगे अंदर, आंसर कितना जाएगा 110 - 20 कितना होगा 90, और cos 90 कितना होता है बेटा आपका 0 होता है, तो भैया 0 हो जाएगा आंसर। तो हर तरीके से तैयार रहिए, सीखते रहिए बेटा, और बिल्कुल भी डरिए मत, बिकॉज इस बार सिलेक्शन लेंगे बेटा, और प्रवीण सर इस बार पूरी तरह से तैयार है। ठीक है बेटा, चलो भैया आगे बढ़ते बेटा, आई होप बात समझ में आ रही होगी बेटा, चलो आगे बढ़ते, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और बेटा ये रहा अगला क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से देखोगे हो जाएगा। कह रहा है भैया कि व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हैविंग आरएमएस वैल्यू, भैया 18 आरएमएस वैल्यू है, 18 क्या बेटा आपका आरएमएस वैल्यू है, जो किसके बराबर होता है आपका Vm/√2 के बराबर होता है, ये क्या जाएगा बेटा 18 * बेटा क्या आपका √2 क्या होता है बेटा आपका 1.14 होता है, तो 18 * 18 और प्लस 18 * 74, तो ये क्या आपका 7.2 हो जाएगा, तो 8 7 25 25 कह दिया बेटा, ये दिया हुआ। अरे सर क्या किए सर, अरे बेटा हमने कहा ना कि अप्रॉक्सीमेट किया, देखो 18 * 1.4 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये 18 कर दिया हमने, इसको हमने क्या लिख दिया 1 + 0.4 लिख दिया। देखो हमने ये दिमाग में किया, आपको भी दिमाग में कर, देखो 18 * 1.4 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 18 लिखा बेटा और 1 + 0.4 कर दिया, तो 18 * 18 और प्लस 18 * 74, तो कितना बेटा ये 7.2 हो गया, तो बेटा कितना जाएगा 18 * 7 कितना जाएगा 25 हो जाएगा, 25.2, तो हमने तुरंत मार दिया आंसर। तो आपको मैंने कहा ना बेटा कि वहां पे स्पीड जो आपकी स्पीड होगी वो बड़े ही मैटर करती है बेटा, इसलिए थोड़ा सा जो हम सिखाएंगे बीच बीच में उसको सीखते रहिएगा, आपको ब्रेक करना चाहिए कि 1.4 है, जैसे मान लो हम यहाँ पे करते बेटा, मान लो हम ये करते हैं कि 18 * 1.2 कर देते, क्या करते तुम 18 * 18 हो जाता और प्लस 18 * 2 कितना 36, तो 3.6 हो जाता, तो 18 और 3.6 कितना आपका 21.6 हो जाता। ऐसे आपको तुरंत आंसर मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए बेटा, और ये चीज हम सिखाएंगे आपको, डोंट वरी, एक सेशन लेंगे जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि हाँ आपको तुरंत कैसे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ताकि आप लोग अप्रोक्सीमेट करो और तुरंत आपका आंसर आ जाए। बोलो भैया बात समझ आ गई, बोलिए बात समझ में आ गई बेटा, हाँ या ना बोलते रहिए, हाँ ना यस नो गुणा गणित बोलते रहिए बेटा, क्योंकि ये सब चीजें बेटा क्या है आप ही को सिखाने के लिए, बोलो हाँ ना, एक बार सभी लोग थंब दिखा दो, यहाँ पे एक बार सभी लोग थंब दिखा दो,
तो हम कह रहे हैं बेटा, हम फिर से कह रहे हैं बेटा कि अगर तुम सेम रास्ते पे चलोगे तो रिजल्ट भी सेम आएगा बेटा। थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा हम बताएंगे बेटा, बस आपको ज्यादा अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है बेटा। बहुत ही माइनूट तरीके से बस याद रखो कि हमको 2 घंटे बैठना है प्रैक्टिस करने, और पूरे दिन में बस हमको 5 से 6 घंटे मोबाइल यूज करना है। अरे सर ये क्या कर दिए, ये तो आप जान मांग लिए। अरे जान मांग लेते वो दे देते, लेकिन 5-6 घंटे मोबाइल कैसे यूज करेंगे। करो बेटा थोड़ा सा मोबाइल पे डिपेंडेंसी कम करो बेटा। बिलीव मी, ये मोबाइल बेटा देखो, ये जो मोबाइल है वो शराब से भी ज्यादा क्या बेटा खतरनाक हो चुका है। शराब क्या करता है बेटा, सिर्फ एक लीवर को या एक किडनी को खराब करता है। हमारे पास 2 किडनी है, 1 किडनी खराब होगा, 1 किडनी बचेगी, लेकिन बेटा ये जो मोबाइल है ये आपकी पूरी जिंदगी खराब कर रहा है। ठीक है, शराब तो सिर्फ आपको बेटा क्या करता है, 1 किडनी खराब करता है, लेकिन जो मोबाइल है बेटा वो पूरी जिंदगी खराब कर रहा है बेटा। बिलीव मी, ये छोटी छोटी खुशियां देता है बेटा। देखिए जैसे हम मोबाइल लेते हैं, हम सोचते चलो आज देखेंगे प्रवीण सर का वो वीडियो, तुरंत आ गया शॉर्ट कटरीना कैफ का। अच्छा कटरीना कैफ, और अच्छा आगे कब देखिए सलमान खान भी आ गया, वो भी देख लिए। फिर आगे बेटा क्या, आप फिर तो थोड़ा बहुत आने लगा, फिर आ गया बेटा बढ़िया बढ़िया शॉट आ गया कि हाँ वो कच्चा बादाम पक्का बादाम। उसके बाद बेटा उसके बाद भूल जाते हैं कि अरे यार हम कहाँ किस लिए आए थे मोबाइल पे, उसके बाद मोबाइल हम किस लिए आए थे। 2 घंटे बाद हम कहते हैं अरे यार हम आए किस लिए थे मोबाइल पे, आए थे कुछ और देखने, हो गया कुछ और, खेला हो जाता है। तो बेटा ये चीज़ हो रहा है आपके साथ बेटा, ये सबके साथ हमारे साथ भी होता है। हम जाते हैं, हम देते हैं चलो यार आज एक हम कुछ MCQ निकालते हैं, जैसे ही मोबाइल खोलते हैं आ जाता है शॉट कच्चा बादाम पक्का बादाम। हम कच्चा बादाम हम देखते हैं कच्चा बादाम, अच्छा हम चलो कच्चा बादाम देख लिया, पक्का बादाम देख लेते हैं, तो पक्का बादाम देखते हैं, फिर अलग अलग बादाम आने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, 2 घंटा बीत जाता है। उसके बाद हमको समझ नहीं आता हम आए किस लिए थे यार मोबाइल पे, हम यहाँ पे आए किस लिए थे। तो जब आए किस लिए थे यही पता चल गया, कहते ना क्वेश्चन जब सोल्यूशन खोजने चले तो क्वेश्चन हमें क्या था पता नहीं है। तो ये हैबिट बन चुकी है, तो ये हैबिट को थोड़ा सा कम करना बेटा। हम फिर से कह रहे हैं बेटा, शराब पीना ज्यादा से ज्यादा खतरनाक आपका मोबाइल हो चुका है। शराब सिर्फ आपका बेटा किडनी खराब करेगा, मोबाइल आपकी जिंदगी खराब कर देगा, और यही 3-4 साल है बेटा। इसलिए कोशिश करिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ बिल्कुल छोड़ दो मोबाइल को, बस 5 से 6 घंटे का अपना इसके ऊपर डिपेंडेंसी रखिए बेटा। बस 4-5 महीने की बात है, सिलेक्शन हो जाएगा। दिन भर मोबाइल लेके बैठना कौन पूछ रहा है, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है बेटा, तो आई होप बात समझ आएगी बेटा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें सीखो बेटा, क्योंकि ये सारी क्या बेटा प्रैक्टिकल बातें हैं। अब ये सबके साथ हो रहा है बेटा, इतने सारे अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनने लगे हैं कि शॉर्ट्स देखते देखते क्या होता है बेटा, मन मोहक हो जाता है। ठीक बेटा, तो मन मोहक नहीं करना बेटा, पढ़ना है सिलेक्शन पाना है। अब इस क्वेश्चन को बेटा तुरंत करना है, इस क्वेश्चन को तुरंत करना है। कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC की वैल्यू पूछ रहा बेटा। क्या भैया कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या 25 हर्ट्ज हो, और बताइए हमको पता है भैया XC और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन था बेटा, 1/ωc। बताइए क्या होता है आपका 1/2πfc। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। इन्वर्सली होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो XC घटेगा। तो भैया देख लेते हैं यहाँ पे, अब कह रहा भैया कि अगर हमारा 25 पे, अगर हमारा क्या बेटा, अगर 100 हर्ट्ज पे जो वैल्यू है वो बेटा क्या है 30 है, तो 25 हर्ट्ज पे कितना होगा बेटा। यहाँ कर देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 25। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 हो रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से कितना आएगा आपका 120 हो जाएगा। तो आंसर कितना जाएगा आपका 120 आएगा। तो बस आराम से, ध्यान से, प्यार से, आराम से सीखो बेटा, और गलतियाँ कम से कम करना, क्योंकि बेटा इसमें गलतियाँ होती हैं। जो गलतियाँ आप लोग यहाँ पे करोगे उसने उसका आंसर भी दिया हुआ है, इसलिए बेटा गलती मत करना। ठीक है ना, हो जाएगा ना बेटा, बोलो बोले नहाना हो जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन सब लोग कर लोगे, बिल्कुल दिक्कत है बेटा, बिल्कुल दिक्कत है बेटा। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा बेटा, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा बेटा क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर हमने बेटा क्या क्या यहाँ पे लिख दिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अब यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा। वट विल बी द आंसर इन दिस केस, इस केस में आंसर कितना हो जाएगा। अगर हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस रख दिया, इस केस में आंसर कितना बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ बेटा क्या आपका 30/4, दैट इज गोट हाउ मच 4728.4520। ठीक है बेटा, आंसर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात है बेटा। और मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ZC क्या होता है आपका, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। ये क्या होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। इस केस में आंसर क्या है बेटा, इस केस में आंसर क्या आएगा बेटा। ध्यान से, प्यार से, आराम से, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको बेटा असिस्टेंट में आया था इसरो के, कि अगर हम हमारी फ्रीक्वेंसी क्या बेटा 25 है, वहाँ पे 25 नहीं दिया था, वहाँ पे 50 दिया था, 50-60 पूछा था,
वहां पूछा था 50 पे अगर हमारा ये वैल्यू है तो 60 पे क्या बेटा, याद रखिएगा जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस होता है बेटा वो आपका लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन बेटा इसमें थोड़ा ना कि हाँ लेंथ पे डिपेंड नहीं करता तो हर जगह डिपेंड नहीं करता। भैया आपको अगर मिल गया है गाड़ी का पास, अगर आपको गाड़ी का पास मिल गया, रेलवे में गाड़ी का टिकट मिल जाता है कि हाँ पास मिल गया है, तो पास मिल गया है तो बेटा अगर वो आपको फर्स्ट एसी का पास है, मतलब 3 टायर का पास है, तो सिर्फ उसी में अरेवल को, ये थोड़ा कि हाँ तुम पास दिखा के कहोगे भैया लोको वो भाई ड्राइवर भाई साहब उतरो हमारे पास पास है हम आप ट्रेन चलाएंगे, ऐसा नहीं करोगे बेटा। तो जितना आपका इंडिपेंडेंसी है उसके ऊपर काम होता है। यहाँ पे जो आपका जेडसी होता है वो सिर्फ लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, बाकी सब पे डिपेंड करता है यार, फ्रीक्वेंसी पे क्यों ना डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा तो वैल्यू चेंज होगी। तो बेटा वैल्यू चेंज होगी, इसको आप लोग 120 मत कर देना, ये क्वेश्चन बेटा आगे आया था ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड से करिएगा। भैया आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, बाकी बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो क्यों नहीं चेंज करेगा। भैया आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है बेटा कितना होता है, ये होता है अंडर रूट जेड बाय वाई होता है। अब यहां पे बेटा क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा आर प्लस जे ओमेगा एल, ये बेटा क्या जाएगा आपका, ये क्या जाएगा जी प्लस जे ओमेगा सी। अब यहाँ पे हम ओमेगा ओमेगा काट सुन सकते हैं, ये बेटा कटेगा ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ रखेंगे तो वैल्यू कुछ आएगा, फिर कट्टम कुट्टा खेलेंगे तो वैल्यू कुछ ना कुछ कम ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा कि हाँ 120 था तो 120 रहेगा। बेटा ये लेंथ पे, ये सिर्फ लेंथ पे आपका डिपेंड नहीं करता, बाकी सब पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे घटाओगे बेटा तो वैल्यू घटेगी बढ़ेगी। हाँ अगर इसको हम काट देते कट जाता, लेकिन ये कटेगा ही नहीं, क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है तो ये हम लोग इसको काट नहीं सकते। तो ये छोटी छोटी बातें बेटा जो कि आपको सीखना बेटा और बहुत ही प्यार से खेलना है, ऐसे क्वेश्चन को करना बेटा, बस सिलेक्शन देगा बेटा और बहुत ही प्यार से आराम से सीखो खेलो और आगे बढ़ो बेटा ओके। तो भैया चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखिए बेटा, बाकी सब क्वेश्चन कुछ है नहीं बेटा, बाकी कुछ क्वेश्चन में है नहीं बेटा। अब ये अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर सीरीज आर सर्किट एट रेजोनेंस। कह रहा है कि रेजोनेंस केस में बताइए कि जो आपका हाफ पावर है उस केस में जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाफ पावर में जो करंट की वैल्यू होगी। देखो बेटा ये क्या आपका करंट है आई, किसे बेटा सीरीज रेजोनेंस में, सीरीज रेजोनेंस में कह रहा भैया ओमेगा नॉट पे मान लीजिए आपका करंट कितना है आईएम है, तो बेटा पूछ रहा है कि हमारा पूछ रहा है कि हाफ पावर, बेटा हाफ पावर पे करंट कितना होता है, याद करो बेटा हमने पढ़ाया हुआ है कि हाफ पावर पे जो करंट होता है वो कितना होता है बेटा आईएम बाय रूट टू होता है। तो बेटा आपका कह रहा है कि जो मैक्सिमम करंट है आईएम की वैल्यू क्या है 20 है, तो पूछ रहा है कि हाफ पावर पे करंट कितना होगा, तो बेटा हाफ पावर बचे करते हैं, यहाँ पे 20 दिया है तो हाफ मतलब क्या होता है 2 होता है, मार देते हैं 10 और 10 यहाँ पे दिया भी हुआ है, टिक मार के चले आते हैं, फिर कहते हैं सर हम करके आए, नहीं बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हाफ पावर पे जो आपकी करंट होती है वो मैक्सिमम के बाय रूट 2 होती है। तो बेटा यहाँ मैक्सिमम कितना है 20 है, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी 1.2, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी 1, यहाँ पे पुट कर देंगे तो रूट 2 की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देना और उसके बाद आप लोग आंसर निकालो बेटा, तो यहाँ से आई एम बाय रूट 2 कर दो और यहाँ से बेटा आंसर निकालो तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व। देखो आपको पता होगा कि 1 बाय रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 बाय रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707, तो हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे 20 × 0.707। अब देखो इसको दुगना करो कितना जाएगा, 2 × 14 और 2 × 14 जाएगा 14 और ये क्या जाएगा आपका ये 14.14 हो जाएगा, 14.4 हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा कि छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में होती हैं बेटा, वो हाफ पावर पे करंट पूछ रहा है तो हाफ पावर बेटा करंट हाफ नहीं होता, आपका करंट कितना होता है आई एम बाय रूट होता है। याद करो हमने ये पढ़ाया था कि भैया आपका ये क्या होता है, ये जो आपकी बैंडविड्थ होती है ये क्या होता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है बेटा, और इसके बीच का हम क्या कहते हैं बैंडविड्थ कहते हैं, और यहाँ पे जो करंट होती है वो क्या होती है आई एम बाय रूट टू, और यहाँ पे जो पावर यहाँ मान लो मैक्सिम पावर पीएम है तो यहाँ पे जो पावर होगा वो कितना होगा बेटा आपका मैक्सिमम पावर के आधा होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, नन्नी मुन्नी बातें बेटा, इसको सीखते हुए चलिएगा, गलतियां मत करिएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो और आराम से इसका आंसर देने की कोशिश करो बेटा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग, यहां पे बेटा यहां पूछ रहा है कि भैया आपका यहां पे सीरीज आरएलसी सर्किट में इसमें से कौन सर्किट आपका सही है। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है बैंडविड्थ आ रहा है, तुरंत यहां पे याद करो बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो बैंडविड्थ होगा वो बेटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी बाय क्वालिटी फैक्टर, और क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू बेटा एक और होता है, ये क्या होता है ओमेगा एल बाय आर होता है, ओमेगा एल बाय आर होता है। तो हम क्या करें बेटा क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे ओमेगा एल बाय आर, यहाँ क्या करते हैं बेटा ओमेगा एल बाय आर। तो बेटा आपका जो बैंडविड्थ होगा वो बेटा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी अरे भैया बन जा फ्रीक्वेंसी इंटू रेजिस्टेंस अपॉन ओमेगा। अब ये फॉर्मूला बेटा ये बैंडविड्थ का फॉर्मूला है। अब यहाँ चेक करो, यहाँ कह रहा है कि बैंडविड्थ डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन इंडक्टेंस। भैया अगर अगर आपका इंडक्टेंस घटेगा तो बेटा आपका बैंडविड्थ बढ़ेगा, तो ये तो आपका स्टेटमेंट गलत है। अच्छा भैया ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इट्स बैंडविड्थ डिक्रीजेस विद डिक्रीज, अगर आर घटेगा, अगर आर घटेगा प्रतिरोध में कमी के साथ इसकी बैंडविड्थ घट जाती है। तो भैया आर अगर घटेगा, सही बात है, प्रतिरोध घटेगा तो बैंडविड्थ भी घटेगा, तो आंसर बेटा यही हो जाएगा। हमको लग रहा है आंसर यही होगा बेटा, सही सही होगा। देख लेते हैं इसको भी, बैंडविड्थ अगर प्रतिरोध की वृद्धि से इसके साथ बैंडविड्थ घटे बेटा, ये कह रहा है भैया अगर आपका आर घटेगा तो बैंडविड्थ बढ़ेगा, नहीं बेटा ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बेटा ये आपका रिलेशन सही नहीं बेटा। इफ बैंडविड्थ इज इनडिपेंडेंट ऑफ बोथ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, नहीं बेटा आपका बैंडविड्थ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पे भी डिपेंड करता है, तो भैया आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके भैया ये छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में गलती मत करिएगा बेटा। एग्जाम में सिलेक्शन पाना है तो बहुत ही प्यार से चौथे तरीके से पढ़ना पड़ेगा बेटा, और वही चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है भैया, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से देखिए बेटा, और यही क्वेश्चन है बेटा जो आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बेटा हमको ये बताइए, यहाँ क्वेश्चन बेटा हम पहले पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ बेटा आपको, यहाँ पे दिया है आपको क्या दिया, हाँ यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो पावर है एक फेज में जो पावर है बेटा वो कितना, आपका पावर दिया बेटा क्या आपका 1 किलोवाट। ठीक है, आपको कह रहा है जो करंट है वो बेटा कितना आपका 10 दिया हुआ है। तो भैया आपसे पूछ रहा है कि हमारा जो यहाँ पे इसमें आपका जो यहाँ पे जो पावर फैक्टर होगा कॉस फाई जो होगा वो कितना होगा, जो पावर फैक्टर होगा एक फेज में वो कितना होगा। बड़ा ही ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप लोग भी कर लोगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम करते हैं बेटा। यहाँ पे देखो ये वोल्टेज जो है कौन सा वोल्टेज है, ये लाइन वोल्टेज है कि फेज वोल्टेज, पहले ये बताओ बेटा ये लाइन वोल्टेज है कि फेज वोल्टेज है। आप कहोगे सर ये दो लाइन के बीच का वोल्टेज है इसलिए ये लाइन वोल्टेज होगा, तो भैया हम कहेंगे भैया फिर फेज वोल्टेज क्या होगा, आप कहोगे सर इसको कर दो बेटा ऐसे कर दो VL/√3 कर दो, तो बेटा हमारा जो फेज वोल्टेज होगा बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू फेज वोल्टेज इंटू फेज करंट इंटू बेटा क्या आपका कॉस फाई, है ना बेटा। तो यहां से देखो ध्यान से बेटा, हमारा पावर दिया हुआ है 1000, हमने 1000 लिख दिया, फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये लाइन वोल्टेज है इसका बेटा क्या कर देंगे 200/√3 कर देंगे। अच्छा भैया ठीक है, इसके बाद जो करंट फेज करंट सर ये तो दिया नहीं है सर, ये कौन सा करंट है, देखो बेटा ये स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन में क्या होता है जो लाइन करंट होता है वही क्या होता है बेटा आपका फेज करंट भी होता है, याद करो पढ़ा हुआ है इसको, तो बेटा यहाँ पे फेज करंट कितना दिया है 10 दिया हुआ है, और ये हमको कॉस फाई निकालना है बेटा, तो कॉस फाई हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो बेटा यहाँ से 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगा, अब यहाँ से देखो बेटा कॉस फाई कितना आ जाएगा, कॉस फाई आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √3/√3/√3/2 आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से इसको करने के लिए कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ये कहता है इतना 1.71 होता है बाय 2, तो बेटा ये कितना जाएगा 0.86 हो जाएगा, तो 0.86 यहाँ पे इसका आंसर निकल के चला आएगा बेटा। 1.71 को 2 से भाग दोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 0.8 बेटा, तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया। तो ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी वहां पे आपको कैलसी नहीं देगा बेटा, वहां पे आपको कैलसी नहीं देगा, आपको समझना पड़ेगा कि हाँ यार क्वेश्चंस को कैसे करना है, इसलिए कहते हैं छोटी छोटी वैल्यू याद रखिए, जैसे √2 की वैल्यू याद रखिए, √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी 1.41 होती है, ठीक है, आपका √3 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1.732 होती है, ये छोटी छोटी वैल्यू याद रखिए बेटा। देखिए यहाँ पे √3 हमने लिख दिया 1.71/2 कर दिया, तो ये 0.86 समथिंग आ रहा है बेटा, तो मार दिया डी ऑप्शन, तो यही बेटा क्या है आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका पावर फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। अर्जुन सर अपलोड है बट बेटा कोई बात नहीं, उसको हम देख लेते बेटा, देख लेते हैं, डोंट वरी बेटा, अर्जुन प्रगति ऋषि ओके अभिषेक, तो बात ये सबको बुझा गया बेटा, बात ये सबको समझ में आ गया, आई होप सो बेटा बात समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते लेट्स मूव फर्दर बेटा, ठीक है। अब यहाँ से अच्छा बेटा इसमें ये बताइए, यहाँ पे नहीं पूछते, आगे पूछेंगे बेटा, अगले क्वेश्चन पूछेंगे। अब इस पर बताइए सिंपल क्वेश्चन बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वॉट मीटर रिक्वायर टू मेजर द पावर ऑफ पॉलीफेज सिस्टम। कह रहा भैया हमारे पास एन फेज सिस्टम है, एन फेज सिस्टम के लिए हमको कितना वाट मीटर चाहिए होगा मेजर करने के लिए, कितना वाट मीटर चाहिए बेटा, देखो हम लोग थ्री फेज में क्या करते हैं, थ्री फेज में 3-1 कितना बेटा आपका 2 वाट मीटर यूज करते हैं, तो भैया हमारा एन फेज है तो N-1 वाट मीटर हम लोग यूज करेंगे पावर को मेजर करने के लिए। तो ये छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बेटा, आंसर क्या जाएगा N-1, ठीक है। तो आई होप ये बातें समझ में आगे बेटा, चलो आगे बढ़ते दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा, इसको दिखाने के लिए तो हमने कहा ना बेटा कि आपको जितनी जरूरत है
आपकी गर्लफ्रेंड को अगर बुखार है बेटा तो उसको जाके क्रोसिन दोगे, ये थोड़ा करोगे हाँ क्रोसिन भी दे दिए और आपका डिसिप्रिन दे दिए, उसको ठंडा पानी भी पिला दिए, सब कुछ दे दिए ना बेटा। आपके मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाएं हैं, आपको वही लेना है जिससे कि आपका काम बने। यहाँ पे भी देखो बेटा आपको बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन आपको उतनी ही चीजें उठानी है जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बस सबको यूज जरूरी नहीं है कि हाँ हर क्वेश्चन में सबको यूज किया जाए बेटा। हमारे दिमाग में ये मेंटेलिटी होती है अरे यार हमारा आंसर तो आ गया लेकिन हमने इसको यूज नहीं किया, अरे यार हमने इसको यूज नहीं किया तो हमारा आंसर कहीं गलत हो गया होगा। नहीं बेटा, वो आपको एक्स्ट्रा वैल्यू देता है इसलिए ताकि बेटा आप लोग क्या करो, आप लोग उसमें कंफ्यूज रहो। आप याद रखिए कि आपको जितने से आपका आंसर आ रहा है उतना उठाओ, क्वेश्चन में से आंसर निकालो, आगे बढ़ जाओ, उससे ज्यादा मत सोचो। देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो पूछ रहा है अपेरेंट पावर, जैसे यहाँ पूछ रहा है अपेरेंट पावर बेटा, तो अपेरेंट पावर में हमको एंगल की जरूरत है ही नहीं। अपेरेंट पावर क्या होता है, सिंपली लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट बेटा होता है, बस काम खत्म। ये दिमाग में रखो बेटा और उसके बाद यहाँ पे आंसर या फिर क्या होता है आपका, ये बेटा क्या होता है आपका रूट थ्री लाइन वोल्टेज बेटा, किसमें पूछ रहा है ये, आपको यहाँ पे ध्यान ही देना बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देना, देखो यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है और यहाँ पे आपको करंट दिया हुआ है। आपको पता है बेटा जो अपेरेंट पावर होता है बेटा क्या होता है, वो होता है रूट थ्री लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट, या फिर क्या होता है ये थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज इंटू फेज करंट बेटा। बस इस वैल्यू को पुट कर दो और आंसर को निकाल दो बेटा, ठीक है ना। वट इज अपेरेंट पावर इन थ्री फेज स्टार, देखो बेटा ये स्टार कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड है बेटा तो क्या हो जाएगा, लाइन करंट जो होगा वो फेज करंट के बराबर होगा बेटा, बस काम खत्म। उसके बाद बेटा ये वोल्टेज कौन सा है, ये वोल्टेज फेज वोल्टेज है तो बेटा हमारा हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो थ्री इंटू बेटा क्या आपका यहाँ पे क्या दिया है 254 बेटा, और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे 10 दिया हुआ, बस काम खत्म, काम खत्म बेटा, इसको कर लो ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आएगा, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो बेटा 25 तीन 75, तो 75 कैसे देखो हमने कह दिया ये 25 है ये 3 है, 25 तीन 75 तो 75 के आसपास आंसर आएगा बेटा, तो 75 के आसपास ये है और ये है। लेकिन हमने ये देखा कि ये पूछ रहा है अपेरेंट पावर, और अपेरेंट पावर का जो इकाई होता है बेटा वो क्या होता है आपका वोल्ट एम्पियर होता है या फिर केवीए होता है बेटा। यहाँ पे ये किलोवाट किसका होता है, एक्टिव पावर का होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो 25 तीन 75 75 के आसपास यही है बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको मार देंगे अप्रोक्सीमेट, इसी को कहते हैं बेटा क्या करना, अप्रोक्सीमेट करना। पूरा आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। पहले दिन से बता रहे हैं बेटा कि धीरे धीरे अब तुम क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेट करो, मतलब हमको पूरा आंसर नहीं चाहिए, हमको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा हम आंसर मार के आगे बढ़ जाएंगे। ये ना कि यहाँ पूरा सॉल्व कर रहे हो, वोल्टेज है करंट है मल्टीप्लाई कर रहे हो, पूरा निकाल रहे हो, बेटा पूरा नहीं निकालना है और वो इसी तरह से आपको पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस पे नजर जरूर डाला करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है भैया, बात समझे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और बहुत ही प्यार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते बेटा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भैया हमको ये बताओ निम्नलिखित में से आपका जो पावर का डायमेंशन है वो क्या होगा। अब इसके लिए हमने आपको पहले भी सिखाया बेटा, दोबारा से सिखा दे रहे हैं कि बेटा आपको सिर्फ एक जो है एक आपको डायमेंशन याद रखना है, किससे बेटा एनर्जी का, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बेटा आपका ML2 T-2 ML2 T-2, तीन चार बार बोल दो इसको ML2 T-2 ML2 T-2 ML2 T-2, काम खत्म। अब ये पूछ रहे पावर, पावर क्या होता है आपका, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क बेटा। बेटा यहाँ पे वर्क क्या होता है, एनर्जी तो होता है, तो एनर्जी क्या हो गया ML2 T-2 T-2, और टाइम टी क्या, डी क्या होता है टाइम होता है, तो टी लग दिया यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करो बेटा कितना जाएगा, ये आ जाएगा ML2 और नीचे ये चला जाएगा तो बेटा कितना जाएगा ये T3 हो जाएगा। तो यहां से देखो बेटा आंसर कितना जाएगा, ये ए इज द आंसर, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप लोग को सारे डायमेंशंस याद नहीं करने हैं, आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको बेटा क्या करना है, आपको ये बताना है कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है और जो वोल्टेज होता है और जो आपका कैपेसिटेंस होता है, इन तीनों का डायमेंशन क्या होगा। बहुत ही आराम से निकलेगा अगर आपको ये याद है एनर्जी क्या होता है ML2 T-2, अगर ये आपको याद है बेटा इन तीनों का अपने आप निकाल लोगे, कभी भी याद करने की कोशिश मत करना बेटा, एग्जाम में भूल जाओगे। इसलिए बेटा बस एक चीज याद रखिए, इसको याद रखिए, इसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ निकाल लोगे बेटा, और ये हमको पता है। देखो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, तो ये क्या हो गया आपका एनर्जी ऊपर आ गया चार्ज नीचे आ गया, इसको सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा। तो आराम से देखो सॉल्व होते हैं बेटा क्वेश्चन, बस सिंपली आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और ये बेटा क्या पावर सिस्टम क्वेश्चन है। कह रहा है कि भैया एक फैक्ट्री है जिसमें कि चार शिफ्ट में काम होता है, छह छह घंटे पे चार शिफ्ट में काम होता है भैया।
तो ऐसा होगा, मान लो तुम चले गए यूपी आर्मी में चले गए या किसी पावर प्लांट में चले गए, तो वहां पर शिफ्ट वाइज काम होता है। तो मैं कह रहा है कि भैया अलग अलग आपके शिफ्ट में अलग अलग क्या है बेटा, आपकी पावर आपकी कंज्यूम हो गई है, तो हमको बताइए कि टोटल कितना हमारा एनर्जी क्या हो बेटा आपका कंज्यूम हुआ। भैया एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा, वन यूनिट इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोवाट आवर होता है बेटा। तो देखो बेटा 6-6 घंटे का पूछ रहा भैया, एक दिन में आपकी कितनी कितनी यूनिट कंज्यूम हुई बेटा, तो 6-6 घंटे का 4 शिफ्ट है बेटा, कितना हो गया 24 घंटे, 24 घंटे मतलब क्या भैया एक दिन। तो हम क्या करेंगे इस 6 को यहाँ पे देखो बेटा, पहला शिफ्ट में 36 इंटू 6, दूसरे शिफ्ट में बेटा क्या आपका 86 इंटू 6, तीसरे शिफ्ट में बेटा क्या आपका 50 इंटू 6। भैया ये किलोवाट है, ये आवर है, तो किलोवाट आवर तुमको निकालना है, ये किलोवाट बेटा ये आवर है, तो भैया हम क्या ऐसे करेंगे, फिर क्या जाएगा आपका यहाँ पे 20 इंटू 6। तो तुम क्या करो बेटा, 6 कॉमन ले लो बेटा, सबको जोड़ दो, तो 6 कॉमन ले लिए, सबको जोड़ दिए बेटा, तो जोड़ दो कितना जगह, ये 8 3 110 110 और 50 160 160 120 180 और 180 112 192 बेटा, सॉरी 192। अब इसको सॉल्व करो बेटा, 192 है, इसको सॉल्व करो बेटा, तो 6 दोनों के 12 और 6 9 बेटा कितना हो जाएगा 54 बेटा, 6 कम 6 6 5 11 6 5 11 बेटा, तो ये 6 बेटा ये 5 हो जाएगा बेटा, ये 5 हो जाएगा, 6 दोनों के 12 है ना बेटा, तो 6 6 6 9 54 यहाँ बेटा 55 हो जाएगा और 6 5 11 ये कितना बेटा आपका 1152 हो जाएगा। तो बस यही आपका यूनिट है बेटा, यही आपका यूनिट है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से याद रखे बेटा। अब आगे चल क्या करेगा, आगे चल क्या करेगा, वो यहाँ बोल देगा कि भैया एक यूनिट का दाम इतना है, तो भैया कितना होगा एक दिन का दाम कितना होगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को जल्दबाजी में गलत मत करिएगा बेटा, ये क्वेश्चन क्या होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भैया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया आपका 2 वाट मीटर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, आपका पावर को मेजर कर रहे हैं। तो हमको पूछ रहा है कि अगर हमारा 1 वाट मीटर रीडिंग निगेटिव दिखा रहा है और 1 पॉजिटिव दिखा रहा है, तो भैया बताओ कि हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो पावर फैक्टर कितना होना चाहिए। तो हमने कहा बेटा कि जब भी 2 वाट मीटर का क्वेश्चन आए तुरंत ये लिखो, W1 = cos 30 - 5 और बेटा क्या आपका W2 = क्या लिखो बेटा आपका cos 30 + 5, ये दोनों चीजें हमेशा दिमाग में रखा करो बेटा। अब देखो आपका एक आपका पावर निगेटिव कैसे आएगा, जब ये 5 कितना हो जाए 60 हो जाए, तो 5 60 होगा बेटा क्या हो जाएगा, ये cos 90 से ऊपर हो जाएगा, तो बेटा cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस होता है, तो हमारा 5 कितना हो जाएगा, अगर 5 क्या हो जाए हमारा 60 से ऊपर हो जाएगा, तो 5 और 60 से ऊपर मतलब क्या हो गया cos 60 से ऊपर होना चाहिए बेटा, तो cos 60 कितना होता है आपका 0.5 होना चाहिए, 0.5 होता है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो हमारा जो 5 होना चाहिए, हमारा जो पावर फैक्टर होना चाहिए बेटा वो क्या होना चाहिए, वो बेटा क्या होना चाहिए आपका पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, 0.5 से आपको बेटा क्या होना, 0 से ज्यादा होना चाहिए और 0.5 से कम होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो पावर फैक्टर है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन, बेटा ए वाला हो जाएगा, ए वाला सी हो जाएगा। आपका अगर पावर फैक्टर क्या है 0.5 से कम है और 0 से ज्यादा है, तो बेटा आपका आंसर आएगा 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, ठीक है बेटा। ये भाई बड़े दिन बाद आए, ये कहाँ से आ गए, ठीक है रुको, ओके ओके वेरी गुड, चलो इन भाई से हटा दें बेटा, ये बहुत दिन बाद आए, ठीक है ना। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखो बेटा, देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता है बेटा, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे इसकी वैल्यू घटती है, ठीक है बेटा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखा कि आपका 0 से ज्यादा और 0.5 से कम, ठीक है। तो आंसर इज योर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो बेटा हमारा मजनू भाई जो है वो थोड़ा सा गलत काम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन सा आपका बेटा क्या है जो फीचर है जो कि मूविंग आयरन टाइप में नहीं पाया जाता बेटा, जो कि मूविंग आयरन टाइप में नहीं पाया जाता बेटा। याद रखिए बेटा यहाँ पे हमने आपको लिखाया है, पहले भी सिखाया हुआ है कि मूविंग आयरन टाइप और मूविंग कॉइल टाइप, उसमें एक बड़ा ही बेसिक डिफरेंस होता है, एक आपका AC मेजर करता है और DC मेजर करता है, एक जो होता है जो मूविंग कॉइल वाला होता है PMMC वो सिर्फ DC मेजर करता है। उसके बाद बेटा आपका जो स्केल होता है PMMC में वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन मूविंग आयरन में क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो बेटा यहाँ पे देखो कौन सा जो तथ्य है वो गलत है बेटा, वो है ये आपका जो स्केल होता है वो बेटा क्या होता है यूनिफॉर्म नहीं होता, यूनिफॉर्म मतलब ये आपका बराबर पार्टों में नहीं बटा होता, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, बेटा ये किसमें होता है, ये बेटा सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है PMMC में होता है, लेकिन आपका मूविंग आयरन में आपका जो स्केल होता है ये वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा बेटा, ऐसे क्वेश्चन को गलत
मत करना। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है भैया देखो लिसैजिस पैटर्न, बेटा याद रखिएगा कि जो हमने आपको पढ़ा दिया है, जितना आपको पढ़ाया बेटा उन सबको प्लीज रिवाइज करते रहिएगा बेटा, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो ये क्वेश्चन हमें कितनी बार कराया बेटा, ये पूछ रहा है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है बेटा, इस लाइन का ये आपका एक लिसैजिस पैटर्न है, तो ये जो लिसैजिस पैटर्न है ये कौन से एंगल पे बनेगा, किस एंगल पे ये आपका जो लिसैजिस पैटर्न है वो बनेगा बेटा। तो ध्यान रखिएगा स्ट्रेट लाइन जो होती है वो दो एंगल में बनती है, एक जीरो पे बनती है और एक 180 बनती है। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि जीरो पे कैसे बनेगी और 180 पे कैसे बनती है, उन सबको हमने लिखवा रखा बेटा। और आपको अगर याद नहीं है तो बेटा ये रहा फिगर, तो बेटा याद रखिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा बेटा। ये पीडीएफ हमने आपको दे रखी है, इस पीडीएफ को देख लीजिए बेटा, और पीडीएफ बेटा देख लीजिएगा आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। और यहाँ देखो बेटा आपका जो आपका स्ट्रेट लाइन है बेटा वो कैसा है, आपका यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है बेटा वो इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है बेटा वो इस तरह से। तो बेटा हमको यही वाला चाहिए था, तो ये कहाँ बनेगा, थीटा इज इक्वल टू पाइप बनता है बेटा। ये छोटी सी बात याद रखिए, यहाँ देखो सर्कल कहाँ बनता है, आपका इलिप्स कहाँ बनता है बेटा, ये सब चीजें याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा किए आंसर बेटा हो जाएगा गलत, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर इज योर 80। यहाँ पे देखो जीरो भी दिया हुआ है, आपको 180 भी दिया हुआ है बेटा, जल्दबाजी में बच्चे इसको मार देते हैं, ये नहीं होगा, आंसर क्या जाएगा 180 इज द राइट आंसर। ओके चलो बेटा, छोटी छोटी बातें हैं, आराम से सीखते हो चलो बेटा, और मस्ती से आगे बढ़ते चलो बेटा। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द पावर इन वेरी हाई वोल्टेज सर्किट। कह रहा भैया विथ लो पावर रेटिंग वाट मीटर, कह रहा भैया हमारा जो वाट मीटर है, जो हमारा वाट मीटर है वो पावर मेजर करता है, लेकिन हमारा अगर उसकी रेटिंग कम है वो सिर्फ 5 किलोवाट तक मेजर कर सकता है, लेकिन हमको हाई वोल्टेज लाइन का मेजर करना है। भैया हाई वोल्टेज मान लो 33 केवी की लाइन है आपकी, 66 केवी की लाइन है, तो वहां पे हम ये जो फुद्दू सा छोटा सा वॉट मीटर लगाएंगे तो फूक जाएगा। तो कह रहा है कि हमको हाई वोल्टेज पे पावर को मेजर करने के लिए अगर छोटा वॉट मीटर यूज करना है तो हमको और क्या चाहिए होगा जिससे कि हम उस छोटे से वॉट मीटर से पावर को मेजर कर सकें, हमको क्या चाहिए होगा बेटा। तो याद रखो बेटा, या क्या होता है, दो ही होते हैं जगजीवन, क्या भैया, एक सीटी और एक पीटी, इसी को हम लोग यूज करते हैं, ये करंट ट्रांसफार्मर एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये क्या होते हैं बेटा, ये हाई वोल्टेज या हाई करंट को कम कर देते हैं ताकि हम लोग छोटे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा उनकी रेटिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसलिए उनसे हम लोग अपने हाई वोल्टेज करंट को मेजर कर पाते हैं, किसकी हेल्प से, सीटीपीटी। और ये सीटीपीटी क्या होता है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या यहाँ पे, आंसर हो जाएगा यहाँ पे योर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज यूज, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आराम से याद रखिए बेटा, और कभी भी गलती नहीं होगा बेटा। ओके चले आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट सिग्नल दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय इंस्ट्रूमेंट। मतलब होता है ना बेटा कि होता है बात करते, जैसे हमारा रूममेट था वो बात करता था, मतलब छोटी छोटी बातें, मतलब बहुत बहुत ही आराम से बात करता था, सुनाई नहीं देता बात कर रात में, हाँ बोलो, यस यू नो, मतलब कि तुम सुन नहीं सकते लेकिन हाँ वहां तक सुनाई देता है। तो ऐसा होता है, आपने कभी फील किया होगा कि हाँ आराम से बात करते, हाँ बोलो, ऐसा हो गया, कैसा हो गया, हाँ ये हो, मतलब हम समझ नहीं आता कि भाई इतना धीरे कैसे बोलते। तो ये कह रहा है कि वो छोटा सा चेंज, वो जो छोटा सा चेंज जो आपको देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज द इनपुट संकेत में सबसे छोटा परिवर्तन क्या है, किसकी उपकरण से पता लगाया जाता है बेटा। तो याद रखो बेटा, जब आपका रिलेशन अच्छा होता है तो आप हल्का से भी बोलोगे तो वो समझ आता है, कहीं भी रहता है, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जो स्मॉलेस्ट चेंज होता है जिसको कि आप मेजर कर सकते हैं बेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन। कहते हैं बेटा कि हाँ इतना रेजोल्यूशन का कैमरा है, इतना रेजोल्यूशन का टीवी है, तो वो क्या कहता है, छोटी छोटी चीजों को मेजर कर लेता है बेटा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें बेटा, इसको दिमाग में रखिएगा और बहुत ही प्यार से एग्जाम रखिए, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि भैया इसमें से कौन सा जो तथ्य है वो सही है, किसके रिगार्डिंग बेटा, करंट ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग, जो करंट ट्रांसफार्मर है उसके रिगार्डिंग कौन सा तथ्य है इसमें से जो कि सही है। तो बेटा इसमें से देखिए, ये जो होता है ये उच्च रेंज एम्पियर को उपयोग करके उच्च, ये इट हेल्प इन मेजरिंग हाई करंट यूजिंग द हाई रेंज एमीटर, अच्छा भैया ठीक है। इट हेल्प इन मेजरिंग हाई करंट यूजिंग लो रेंज एमीटर, अच्छा भैया ठीक है। इट हेल्प इन मेजरिंग हाई वोल्टेज यूजिंग द हाई रेंज वोल्ट, वोल्टेज मेजर नहीं कर पाएगा, वोल्टेज तो मेजर नहीं कर पाएगा करंट ट्रांसफार्मर बेटा, तो वोल्टेज तो हटाई दो बेटा, तो ये काट दिया हमने। तो यहां से आंसर क्या है बेटा, ये हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग हाई वोल्टेज को, हाई करंट को लो रेंज के एमीटर से मेजर कर सके। तो आंसर क्या बेटा यहाँ पे भी हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम के हैं,
ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के बेटा, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें ज्यादा समय मत लीजिएगा बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि वॉट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स ऑफ टू मूविंग कॉइल इन अ मूविंग डायनेमोमीटर टाइप थ्री फेस पावर फैक्टर मीटर। बेटा देखो, एक आपका डायनेमोमीटर होता है थ्री फेस पावर फैक्टर मीटर, उसमें बेटा दो कॉइल होती है, उन दो कॉइल के बीच में एंगल क्या होता है बेटा, ये पूछ रहा है। दो कॉइल जो होती है आपकी, दो मूविंग कॉइल होती है आपकी थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर में, उनके बीच में एंगल कितना होता है बेटा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बच्चा सही दे रहा है आंसर, वेरी गुड। क्या नाम बचेगा? अभिषेक, वेरी गुड बेटा, अभिषेक है। और क्या बेटा? ये विष्णु, ओके बेटा, वेरी गुड। विशाल, देखो बेटा ध्यान रखिएगा, ये बेटा क्या है, पावर फैक्टर मीटर है, इसमें जो दो मूविंग कॉइल होता है उसके बीच में एंगल कितना होता है बेटा आपका, 120 होता है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं बेटा, और बीटेक वाले तो अक्सर करते गलती, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में गलती मत करना बेटा। ये क्या है, थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर है, इसमें जो दोनों मूविंग कॉइल होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है हमेशा, आज के बाद याद रखिएगा, कितना होता है बेटा आपका, 120 डिग्री होता है। चलो बेटा ऐसे याद रखिएगा, बाकी बेटा चीजें अच्छे से धीरे धीरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहिए बेटा, कभी भी गलती नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, ये आपका 51। अब बेटा आज इस 51 को देख के हम लोग बेटा क्या करेंगे, अब नेक्स्ट सेशन में आगे की चीजें देखेंगे बेटा। तो ये हमने आपको दिखाया कि आपको धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे बेटा। लेवल क्या बेटा, एसएससी जेई में लेवल बहुत ही नॉर्मल होता है, बस स्पीड जो होती है उसको कैसे बढ़ाना है वही हम आपको सिखाएंगे बेटा। तो बने रहिएगा बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको बहुत सोल्यूशन हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन उसको कैसे अटेम्प्ट करना है बेटा वो आपको चेक द क्लासेस के अलावा यहां से कॉपी होगा, लेकिन सबसे पहले आपको यहीं पे भी दिखाऊंगा। तो बेटा आगे से इसको आप लोग बेटा क्या करेंगे, इस सेशंस को फॉलो करिए, बहुत ही हेल्प होगी। और पीडीएफ बेटा क्या होगी, आपको मिल जाएगी कहां पे, ऐप पे। तो बेटा पीडीएफ क्या है, जो ऐप वाला है वो फ्री नहीं करता, कभी कहता है हम फ्री नहीं करेंगे, हमको पैसा कमाना है, तो वो कभी क्या कहता है 20-30 रुपए का रख देता है। तो याद रखिए बेटा 20-30 रुपए का अगर पीडीएफ है, सारी पीडीएफ एक साल के लिए आपके लिए फ्री हो जाएंगी, तो आप लोग ले लीजिए, उसमें कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर पैसे की कमी है, 20-30 रुपए नहीं है, तो मुझसे मांग लो बेटा, मैं दे दूंगा। ये जो ऐप वाले होते हैं बेटा, ये कंपनी वाले किसी के नहीं होते, ये सबसे कि मतलब उनको पैसा चाहिए होता है, किसी तरह से भी पैसे कमाना होता है इन लोग को, इसलिए बेटा क्या करते हैं वो लोग कभी कभी पीडीएफ प्राइवेट कर देते हैं। अब हमारा ऐप हो के भी हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि भैया वो कहते हैं कि भैया हमको भी पैसे कमाने, तो इसलिए छोटे छोटे वो आपके पैसे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग पीडीएफ नहीं ले पा रहे हो, 20-30 रुपए के होंगे पीडीएफ, 50 रुपए होंगे या शायद, तो आप मुझसे पैसे ले लेना बेटा, मैं दे दूंगा यार, क्या क्या दिक्कत है। लेकिन ध्यान रखिए कि रोज आप लोग बड़ा करिए, इनको देखिए, सीखिए, पढ़िए बेटा, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट आपको पेड में भी नहीं मिलेगा बेटा। ये मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है बेटा पेड में क्या, कौन सी रामायण पढ़ाई जाती है, कौन सी महाभारत पढ़ाई जाती है बेटा, उतना जरूरत नहीं है। आपको एसएससी जेई निकालना है तो बेटा आपको रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो सिखा रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और बाकी बेटा मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, किस वन बेटा, और जाते जाते एक बार हर्ट दिखा दीजिएगा, ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा बेटा। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे, एंजॉय करो यार मस्त तरीके से। तो इसी तरह से रोज कम से कम 2 घंटे बैठना सीखिए, वही आपके लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बाकी यार पढ़ाता रहेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, वी विल गोइंग टू मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। एंड बेटा जाते जाते ये 100 कर दीजिएगा, ओके, थैंक यू सो मच, चल वेरी गुड।